आदिपूज्यं गणाध्यक्षं उमापुत्रं विनायकं मंगलं परमं रूपं श्री गणेशं नमाम्यहम्। जय बाबा चलनाथ की। विन ग्वालियर हेडवे डैन एस आर डिजियाना के साथ सिटी केबल की संयुक्त प्रस्तुति MISAO मेला चले कार्यक्रम में मैं शिरीष गुप्ता गुड्डू आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज 17 जनवरी और बुधवार का दिन, चलिए चलते हैं आज के कार्यक्रम में, देखते हैं किसने क्या घूमा, क्या देखा, क्या पसंद किया और कौन आया आपको गुदगुदा के इस कार्यक्रम में MISAO मेला। क्या सुना रहे हो? डांस का। डांस। आपका नाम बेटे? मेरा नाम देवान चतुर्वेदी है, मेरी मैं 9 साल का हूँ। अरे वो तो ठीक है, क्या सुनाओगे? मैं डांस करूंगा और वो मैं स्टंट करोगे आप? अभी मैं आपका स्टंट कवर करता हूँ बेटे। नाम? हिमांशी यादव। क्या सुनाओगे? डांस। क्या नाम है बेटे? खुशी चतुर्वेदी। आप क्या सुनाओगे? डांस। डांस बेटे मैं सारे बच्चों को तो नहीं करा सकता। नाम बेटा? तरन्नुम। क्या सुनाओगे? पोयम। पोयम, इतने बड़े बच्चे, सुनाओ। पूरब की गलियों से देखो दिन का राजा आया है, एक एक सब तारे जान भागे बड़ा सरमाया, चिड़ियों ने भी चहक चहक के मीठा गाना गाया, गलियां खो रही आंखें फूल फूल मुस्काया। बस एक ही है? नहीं, एक और है। पोएम नहीं, कुछ और है आपके पास? शायरी है ये, सुनाओ। ओ, काली साड़ी पे कढ़ाई नहीं होती, सहेली तेरी यादों में पढ़ाई नहीं होती, और एक ही है। एक ही है, चलो। आपका नाम बेटे? रीति जैन। आप क्या सुनाओगे? डांस करूंगी। डांस करोगे आप भी? क्या नाम है? आँखा कायों का जल पे, तेरी आँखा कायों का। क्या नाम है बेटा? नैंसी। आप क्या पोएम सुना रहे हो? सुनाओ। मछली जल की रानी है, जीवन उसका ये हाथ लगा दरिया ही बांध निकालो। एक आपके लिए रख लो बेटा, बिंदल फैशन फैमिली कलेक्शन से पकड़ लो, पकड़ लो आपके लिए। नाम क्या है आपका? मनी। अच्छा, पोएम सुनाओ। वेरी गुड। आपका नाम? चंचल। आप क्या सुनाओगे? पोयम सुनाओ। बिंदी सुन लो ए भगवान, सब बच्चे बने मान मेहनत, नले विश्नाम आए सदा सभी के, हमें देश पर हो अभिमान, ऐसी कृपा करो भगवान। वेरी गुड। एक आपके लिए भी रख लो बेटे, बिंदल फैशन फैमिली कलेक्शन से एक आपके लिए ये कैरी बैग है। नाम बेटा आपका? समीक्षा। पोएम सुना रहे हो? कविता। सुनाओ। उठो लाला वाके को लो, पानी लायो मुँह धोलो, बीती रात कमंडल फूले उनके ऊपर मारे जले, चिड़िया चाक उठी पेड़ों पर बहने लगी हवा थी सुंदर, नम्मे न्यारी लाली चाय धरती ने प्यारी छवि पाई, भौर हुआ सूरज हुआ जल में पड़ी सुनाई चा, ऐसा सुंदर समय न को मेरे प्यारे अम्मा सो। और नहीं है, बस एक ही है। एक और। क्या नाम है बेटा आपका? शैलेन। अच्छा, आप क्या सुना रहे हो? पोयम। पोयम सुना रहे हो, सुनाओ। कपला कपला मैं मासू गेट इट एंड बाय अपस टू स्टिच अप बेन स्टेट डाउन आई विल गिव यू अप द ग्राम। चलो वेरी गुड। आप दोनों भाई बहन हो? हां, दोनों भाई बहन हो। आपका नाम? राज। आप क्या सुनाओगे? पोयम। पोयम सुनाओ। बंदूरी पर भाई ब्रिज इन द आई की क्या बने नाइट एंड लॉर इन द रेन। चलो वेरी गुड। इधर स्टैंड आ जाओ बेटा। आपका नाम? नाम क्या है आपका? देवांश। देवांश, आप स्टैंड करके दिखा रहे हो? चलो आप स्टैंड करके दिखाओ, कैसे करके दिखाओगे? चलो बस बस बैठ, पीछे पीछे करो, वाह, आ जाओ इधर आ जाओ, सब बच्चे ताली बजाएंगे, देखो बढ़िया किया है आपने। कहाँ रहते हो आप? मैं? हाँ, मैं मुरैना रहता हूँ, बार बार अपनी नानी के साथ। नानी तो के आपके मुरैना में भी तो चलता है ये डिजियाना पे? हाँ, पर मैं मेला देखने के लिए आया था। मेला देखने आया? मुरैना में देखते हो? ये मुरैना में भी तो चलने लगा है। हाँ, पर देख पर मैं नानी के यहाँ पे आऊँ तब से देखा। वेरी गुड, मैं अभी आपको गिफ्ट देता हूँ। ठीक है। रिंकी राजावत। कहाँ रहते हो? राधा कॉलोनी में। अच्छा, आप क्या सुना रहे हो? लोकगीत।
साची बताओ मोरे सैया मुदरिया कहाँ से ले आए, साची बताओ मोरे सैया। आगे आ जाओ, थोड़ा सा डांस वाला है ना, डांस आप खुद कर रहे हो हाथों से। मोरे सैया मुदरिया कहाँ से ले आए, साची बताए मोरे सजनी मुदरिया मेला से ले आए, साची बताए मोरे सजनी मुदरिया मेला से ले आए। विष खा लूंगी जहर खा लूंगी, विष खा लूंगी जहर खा लूंगी, अरे साची बताओ मोरे सैया मुदरिया कहाँ से ले आए, साची बताए मोरे सजनी मुदरिया मेला से ले आए। काहे को तेरी सूरतिया सलोनी, काहे को तेरी सूरतिया सलोनी, सूरती सलोनी, अरे साची बताओ मोर सैया मुदरिया कहाँ से ले आए, साची बताओ मोर सैया मुदरिया कहाँ से। वेरी गुड बेटा, बहुत शानदार, अच्छा सुनाया आपने। क्या नाम है आपका? जीतेन। क्या सुना रहे हो? शायरी। शायरी कितनी? दस। दस शायरी, दस शायरी सुनाओगे? सुनाओ। चांदी चांदी ए, मैं रुक जा, बात कर रहा हूँ। हाँ बेटा सुना। चांदी चांदी तो एक बात ए, भाई साहब बात करनी थी। चुप। हाँ। चांदनी चांद से होती है, सितारों से नहीं, मोहब्बत एक से होती है, झाड़ू से नहीं, फूल तोड़ने जाती तो माली रोक लेता है, तुमसे मिलने आती तो घर वाले रोक लेते हैं। सुनो, मैं मेले आ गया हूँ, थैला मेरे हाथ में। चुप हो जाने दो साहब, मेरी जिंदगी खराब कर दी है एक वो बेचारा गुड़िया के बाल, तेरा साथ तंग का एक वो कर रही है मेरे पापा पापा, मैं कब मेरी शादी हुई, मेरे को पापा बना दिया लोगों ने। दिमाग खराब करो, कोई सुना रहे उसको, सुना नहीं दे रहे तुम उसको। अरे एक सुना के दस मिनट ये पापा बोल देगा, मैं कहाँ जाऊंगा भाई साहब। बुड्ढी के बाल, बुड्ढी के बाल, बुड्ढी, ओ मिल गए जी, तनका देखो क्या क्या धंधे खोलने पड़ रहे हैं, तनका दिलवा दीजिए भाई साहब। ये सब क्या है यार, ये क्या परेशानी है ये? भाई साहब तनका दिलवा दीजिए, हम चले जाएंगे। अरे मैं मेले पहुँच गया, तू यहाँ पहले ये तनका मांग रहा है, वो पापा कह रही है कल को आंटी मिल जाएगी, वो कुछ और कहेंगी। बुड्ढी के बाल, बुड्ढी के बाल, बुड्ढी के बाल, पापा कहाँ गए मेरे पापा? ये कंडीशन है साहब मेरी, बुद्धि के बाल चाहिए। एक मिनट बेटा, चीटी तो मेरी आप कहाँ को लेकर आए? बेटा तेरा बाप चौकीदारी की नौकरी करता है, तू नहीं करती, सीटी मेरे को दे दे। चीटी तो इनकी मम्मी बनाएंगी घर पे, चीटी तो आप चलो मेरे साथ पापा, चलो। साहब आप बताओ मैं क्या करूँ, दो मीटर रस्सी ले और रस्सी में आत्महत्या कर लूँ? पहले तनखा दे के जाना तब मरना कहीं पे जाके, सागर ताल में कूदने जाते हो ना, मछलियाँ कह रही है भाग जा भाग जा। मेरे पापा मेरे खिलौने खा गए सारे। तुम इसके खिलौने खा गए सारे? शकल देख के लगता है मैं खिलौने में, भाई साहब पत्तियां खा के काम चला रहा हूँ आजकल, खिलौने प्लास्टिक के होते हैं, ये देखो भाई साहब, वो तो अच्छा बन गया, ब्लेड नहीं तो पेट काट देती अभी यहीं पे। देखो आवाज आ रही है इनके पेट में से। तेज तनका, तो हम निकले अपना धंधा देखें, आज सुबह सुबह पानी नहीं हुई, पैसे के आते हैं फ्री नहीं आते। सुनो भाई साहब आप पे पड़ा दे दीजिए, आप बाल खींच रही हमने, मुझे तनखा चाहिए और कुछ नहीं बस। पापा मेरे खिलौना लिया आप, तुम्हारा यार कुछ नहीं। देखो मैं एक मिनट, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ सर, कॉमेडी बहुत हो गई बेटा, एक कायदे की बात बता रहा हूँ जो मैं कहना नहीं चाह रहा था, पर आप सबके सामने कह रहा हूँ, चाची। पापा मैं गाना गाऊं? गाओ गाना भाई साहब, गाना सुन लो इसका, इतना अच्छा। मैं गाऊं, मैं लुट गया। तनखा अभी कहाँ लुट गए? सबको क्यों पागल कर रहे हो वहाँ बैठे, तुम तो हो ही चुके हो साहब। मैं बच्ची को पकड़ो, कितनी तंगा, कितनी तंगा, तंगा कितनी रह गई है? 350 रुपए पुराने, चल 10 और जोड़ लियो, निकल अब निकल, बहुत हो गए। तनका दिए भाई जी, तनका मैं लेके ही जाऊंगा भाई साहब, का नहीं है ये मुझे भी ऐसा करके मानेंगे, आपके जैसा करके माने, झूठी कसम खा खा के उड़ गए ये। यह सच्ची कसमों में छीन रहे हैं मेरे बाल, तो उनकी तनखा क्यों नहीं दे देते हो? मैं कह रहा हूँ बाल काट के लिए पुलिस में आके दास साहब कर लेना, मेरे खिलौने भी तो पापा। बाल काट तो यार कोई आता है उसको हैक नहीं करने देते हो? करो यार तुम यार करो। हाँ सुनो तो मेरी बात, एक मिनट जब शायद चाची, चुप चाची, शीशा गंदा हो जाते उसे साफ कर लेना, मुझसे कोई भूल हो जाते उसे माफ कर लेना, मत फेंको पानी में पत्थर, उसे कोई पीता होगा मत रहो जिंदगी में दस, तुम्हें देख कर भी कोई जीता होगा, साइकिल चलाना आता नहीं, पैडल मारना नहीं आता नहीं, प्यार क्या करते हो मौत करना आता नहीं, और ये गल आलू की सब्जी खा दे तो क्या परवल की सब्जी खाया करो, अपनी गली याद हो कहीं हमारी गली भी आया करो, दूर सही मजबूर सही याद तुम्हारी आती है, कहीं पर नाम लो तो आज हमारे पास आती है।
और खत्म। अब तुम लोग जाओगे नहीं जाओगे तुम लोग यहाँ से? मैं चले जाऊंगा, पर एक कसम से जो रोज करता हूँ वो आज नहीं करूँगा, कुछ झटके करूंगा, तीन बार करूंगा, चाची चाची चाची। अरे भाई साहब आप रख लो उसको, मैं कल आऊंगा। मेला घुमाने देखो, मेला ये क्या है, मेला है ना, घूम ले घूम 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 ले जाओ चाची। हर्षित पाल, अच्छा क्या सुना रहे हो? फनी सॉन्ग। दो पन्ने की कॉपी लेके कॉलेज पढ़ने जाते हैं, रास्ते में मिल गए यार तो पिक्चर को मुड़ जाते हैं, इंटरवल में बोर हुए तो चौराहे पे आते हैं, मुंह में बढ़िया पान मसाला सिगरेट भी सुलवाते हैं, इस तरह रोज रोज क्लास बंक करके जाते हैं। टीचर प्रिंसिपल जब भड़के तो है ना टीचर को फुसलाते हैं, टीचर भी नहीं फुसले तो प्यून को बुलाते हैं, अगर प्यून भी मान गया तो रोज रोज नए मनसूबे बढ़ाते हैं, जब पेपर आते हैं तो पढ़ाई में लग जाते हैं, पढ़ाई भी नहीं हुई तो ऐसे ही काम करते हुए चले जाते हैं, पेपर आते हैं तो नकल मकल बढ़ाते हैं, जब पेपर का रिजल्ट आए तो जब फेल हो जाते हैं तो मगरमच्छ के आंसू बहाते हैं। वाह वेरी गुड, बहुत शानदार। हाँ अच्छी है, फनी भी है। हाँ। और इसके अंदर आपने कुछ ना कुछ मैसेज भी दिया, बहुत शानदार। हाँ, कॉलेज लाइफ के आज जो बॉयज बिगड़ रहे हैं उनके ऊपर है जी। हाँ, बिल्कुल बहुत अच्छी है, मैं भी आपको गिफ्ट देता हूँ। जल्दी एक आपके लिए रख लो, बिंदल फैशन फैमिली कलेक्शन से। मैं आपका खुशी बाथम। आपका रीति जैन। समीक्षा हर्षिता। शालिनी प्रजापति। बहुत शानदार, आपने स्टैंड किया था MIS मेट्रोपोलिस इंटरनेशनल स्कूल से, एक आपके लिए। कौन सा स्कूल है ये? मेट्रोपोलिस इंटर। कहाँ पर? स्वीपलेलिंग रोड पे। और क्या खासियत इसमें सब कुछ है बच्चों के लिए, डांस के लिए सब कुछ है, सब कुछ सिखाते हैं। और कहाँ तक हो गया है ये? वो टेंथ तक है ना। और CBSE एक आपके लिए रखो बेटे, MIS से है, आपके लिए भी रख लो एक MIS, एक आपके लिए बेटे MIS से, एक आपके लिए है बेटे MIS मेट्रोपोलिस इंटरनेशनल स्कूल से, एक आपके लिए भी है, एक आपके लिए बेटे, आप दोनों ब्रदर सिस्टर हो ना, एक आपके लिए है बेटे MIS से, एक आपके लिए। कहाँ पर है ये? ये शिवरीलिंग रोड पे। हाँ, और क्या है यहाँ पर? यहाँ पे है ना फैसिलिटी से, यहाँ पे कॉम्पिटिशन होते हैं, यहाँ पे है ना हॉर्स राइडिंग कराई जाती है, जो आप 10th तक हो गए CBSE हो गया। वेरी गुड, एक आपके लिए MIS से। बहुत अच्छा सुनाया था है ना आपने, डांस अच्छा किया है। कौन सा पोहा है ये? ताज महल। आपने यूज किया है कि पहले कभी नहीं किया? एक आपके यूज करने को दे रहा हूँ। मम्मी ने किया होगा। आप पोहा नहीं खाते तो मुझे नहीं पता कौन सी वैरायटी का है। चलो ये मैं आपको इस्तेमाल करने को दे रहा हूँ, पसंद आएगा तो फिर लाओगे बाजार से। एक आपके लिए है, एक आपने बहुत अच्छा बेटा मेरे को मैसेज वाला सुनाया, एक आपके लिए बड़ा सा है ताजमहल पोहा से, रखो रखते जाओ, एक आपके लिए है पकड़ो, एक आप दोनों के लिए है, आपके लिए भी है, एक आपके लिए है ताजमहल पोहा से, आपके लिए भी है बेटे, एक आपके लिए ताजमहल पोहा से, आपके लिए है, एक आपके लिए ताजमहल पोहा से, एक आपके लिए है। ये गालव। क्या खासियत है बेटे इसमें? है इसमें बहुत वैरायटी मिलता है, इसके सूजी सब आता है इसका, और तीन बार ठंडा करके कराया जो पैक किया जाता है, और इसमें ना जैसे बहुत से आटा में ना कीड़े पड़ जाते हैं, इसमें नहीं पड़ते। वेरी गुड, गालब से भी है बेटे, गालब से है, एक आपके लिए गालब से, एक आपके लिए गालब चक्की ब्रश से, एक आपके लिए है, आपके लिए भी है गालब चक्की ब्रश से, आपके लिए है, एक आपके लिए गालब से है, एक आपके लिए है, और एक आपके लिए आपने स्टंट किया था, आपके लिए भोगरा नमकीन से आपने जो किया है, अलग से कुछ किया है भोगरा नमकीन से, एक आपके लिए रख लो, हजीर अंटक के सामने 34 और पिंटो पार्क से। समीक्षा। एक आपके लिए, कौन सी चाय है ये? पतंगश्री। हाँ, कहाँ मिलती है? नया बाजार RIT कंपनी की है ना, बाजार में हर जगह मिलती है। एक आपके लिए बड़ा सा है पद्मश्री चाय से, एक एक आपके लिए सबके लिए है मेरे पास, पद्मश्री चाय से, एक आपके लिए भी बेटे, एक आपके लिए है, एक आपके लिए, आप दोनों ब्रदर सिस्टर हो, एक आपके लिए है, आपके लिए, आपके, एक आपके लिए है, आपके लिए भी रखो बेटे पद्मश्री चाय से, आपके लिए, आपके लिए, और एक आपके लिए, आपको तो मिल गया बड़ा, आपके लिए भोगराज नमकीन। कहाँ पर है भोगराज? के सामने। और 34
एक आपके लिए भी है, आपके लिए बेटे, आपके एक आपके लिए भोगराय नमकीन से, एक आपके आपके लिए, आपके लिए एक आपके लिए और एक आपके लिए और भागीरथ प्लाजा छतरी नंबर 8 फर्नीचर का एक्सक्लूसिव शोरूम एक आपके लिए है, एक आपके लिए है बेटे, एक आपके लिए भागीरथ प्लाजा से, एक आपके लिए सॉरी एक आपके लिए है, एक 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 आपके लिए है और एक आपके लिए भागीरथ से। विंडो कूलर विशाल अलमारी से है, ये विशाल विंडो कूलर से बेटे, विशाल अलमारी से है, विशाल विंडो कूलर, विशाल अलमारी, स्लिप बेल मैट्रस सिम्फनी कूलर, स्लिप बेल मैट्रस सिम्फनी कूलर, स्लिप बेल मैट्रस सिम्फनी कूलर छतरी नंबर 1। आप सब लोग मुंह से बोलो हाँ। तो ये बिंदल फैशन फैमिली कलेक्शन जो पहले हाथ खड़ा कर देगा उसको दे दूंगा मैं। चलो इधर से आ जाओ, कहाँ पर है बेटा, आपने हाथ खड़ा किया है ना, वैसे ही कर दिया आपने, जो हाथ खड़ा करेगा हरीरा किताब नहीं है, बिंदल फैशन फैमिली कलेक्शन जो अभी नया खुला है ना, जो बताएगा मैं उसको दे दूंगा। मुरार, हाँ मुरार गरम सड़क, ठीक है, एक आपके लिए उनकी तरफ से। एक बार खरीदो ना खरीदो, आप सबके लिए गोल्डन लाइव इंडक्शन कुकर से, आपके गिरने लगे यहाँ जल्दी से पकड़ लो, एक आपके लिए भी है गोल्डन लाइव इंडक्शन कुकर से, रखो बेटे एक आपके लिए है, आपके लिए गोल्डन लाइव से है, पकड़ लो आपके लिए, एक आपके लिए गोल्डन लाइव से, आपके लिए भी है गोल्डन लाइव इंडक्शन कुकर से, एक आपके लिए है, एक आपके लिए है बेटे गोल्डन लाइव से, आपके लिए भी है गोल्डन लाइव इंडक्शन कुकर से, एक आपके लिए और है मेरे पास, एक एक विंदल फैशन फैमिली कलेक्शन गरम सड़क मुरार, ये मुरार में खुला है और महारानी लक्ष्मीबाई कॉलेज के सामने, एक आपके लिए है बेटे, आपके लिए भी आप कैरी बैग में रख लो, एक आपके लिए बेटे रखो, एक आपके लिए बिंदल फैशन लो, एक और लो, एक आपके लिए भी है मुरार, एक 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 आपके लिए बेटे, एक आपके लिए है बिंदल फैशन फैमिली कलेक्शन से, एक आपके लिए और है, एक एक और है आप सबके लिए चॉकलेट, छोटी सी चॉकलेट रखो, ताजमहल पोहा से आपके तो हाथ पूरे, एक आपके लिए है ताजमहल पोहा से, आपके लिए भी है, आपके लिए बेटे, एक आपके लिए है, आपके लिए है ताजमहल पोहा से, एक आपके लिए, एक आपके लिए है, आपके लिए है बेटे, एक आपके लिए ताजमहल पोहा से और एक आपके लिए, जो मतलब दोस्त हैं दर्शक हैं छतरी नंबर 2 पर 1 बजे तक आ जाइए, वहां से मैं आपको अपने साथ ले चलूंगा ऐसे गिफ्ट आपके लिए भी। यहां से दोस्तों सीधे गोल्डन लाइफ इंडक्शन कुकर शोरूम के अंदर। एक बार आप थोड़ा सा पैकेज के बारे में और मुझे बताइए, आपका पैकेज जो है कौन सा कैसा है? ये बहुत बढ़िया पैकेज दिया गया है जो 2010 सेट है, इसमें आपका जो 3250 रुपए का इंडक्शन कुकर साथ में पड़ता है, 1650 रुपए का प्रेशर कुकर है, साथ में 850 रुपए के बर्तन है, ये तीनों को मिला के जो पैकेज बनता है वो होता है 5750। कंपनी ने एक भारी डिस्काउंट दिया हुआ है 2000 रुपए का, तो मात्र जो पैकेज आपको पड़ रहा है सिर्फ 3750 का पड़ रहा है, 3750 रुपए में एक प्रेशर कुकर आपका और एक प्रेशर कुकर के साथ ये 6 पीस बर्तन जी, और साथ में वो 5 स्कीम्स आपकी जो है वो भी शामिल है। बिल्कुल, वो तो बहुत ही शामिल है, एक बार खरीदो 5 बार जीतो, ना खरीदो फिर भी जीतो, यानी कि उपहार ही उपहार है। पहला ड्रॉ है आपको शानदार डीवीडी प्लेयर जीतने का मौका मिलता है, दूसरे में मिलता है 10,000 का कैश अवार्ड, तीसरे में रहता है गोवा ट्रिप जो 3 दिन 4 रातों के लिए है, बाकी रहता है आपका पल्सर बाइक जो 1,00,000 रुपए कीमत समथिंग की है, बाकी ये मेगा ड्रॉ जो सिंगापुर थाईलैंड मलेशिया ट्रिप है जो 6 रात 7 रातों के लिए रहती है, 6 दिन 7 रात। चलिए तो मैं कहूंगा अगर आप देखिए इंडक्शन कुकर खरीदना चाहते हैं और ऐसा जो ड्यूरेबल हो और जो लंबे समय तक आपका साथ निभाए, तो मैं कहूंगा कोई भी इंडक्शन खरीदने से पहले एक बार आप गोल्डन लाइफ इंडक्शन कुकर देखें जरूर, कंपेयर करें, स्कीम्स को कंपेयर करें, साथ में ये भी पूछे कोई इंडक्शन अगर आप खरीद रहे हैं कि उनका सर्विस सेंटर शहर में कहाँ है, क्योंकि गोल्डन लाइफ का तो 1111 बिहाइंड SP ऑफिस पटेल नगर में मौजूद है, क्या उनका सर्विस सेंटर है? अगर प्रोडक्ट में बाद में दिक्कत आती है मेले से वो आप ले तो जाओगे, लेकिन बाद में अगर कोई प्रॉब्लम आई तो कहां आप उसको लाओगे? तो ध्यान रखें गोल्डन लाइफ का खुद का सर्विस सेंटर भी है और साथ में ये शानदार पल्सर बाइक, 2 पल्सर बाइक हैं यहाँ पर, और इतना ही नहीं यहाँ पर तो गोल्डन लाइफ एक्वा भी आ चुका है, जैसे मैं आपको बताते हुए आ रहा हूं बराबर, अगर मेले आ रहे हैं इंडक्शन कुकर कंपनी के शोरूम में आ रहे हैं तो एक बार
एक्वा की भी जानकारी लीजिए। जितने शॉपकीपर्स हैं अगर वो शुद्ध पानी पीना चाहते हैं तो एक बार यहाँ पे आकर जानकारी लीजिए, क्या थोड़ा सा टेस्ट करके भी देखिए अन्य मतलब मिनरल वाटर में और गोल्डन लाइफ के एक्वा में क्या अंतर है। छत्ती नंबर 3 और कश्मीरी गेट के बिल्कुल बीच में मिलेगा आपको गोल्डन लाइफ इंडक्शन कुकर कंपनी का ये शोरूम। 12 सालों का विश्वास स्मार्ट गृहणियों की स्मार्ट पसंद यानी विश्वास है तो गोल्डन लाइफ छत्ती नंबर 3 और कश्मीरी गेट के बिल्कुल बीच। चलते हैं छत्ती नंबर 3 बोल्टा बसंत सेल्स कारपोरेशन के शोरूम में। ये है दोस्तों छत्ती नंबर 3 बसंत सेल्स कारपोरेशन वोल्टाज के एसी की यहाँ पे आपको संपूर्ण रेंज मिलेगी। और इसके बाद ये वाटर कूलर सिर्फ आपको यहाँ पे मिलेंगे बसंत सेल्स कारपोरेशन पे। साथ में डीप फ्रिज की यहाँ पर वोल्टाज की डीप फ्रिज की पूरी श्रृंखला मौजूद। और साथ में मिलेगी आपको नटराज की आटा चक्की यानी शुद्ध आटा अब आप अपने घर में इस्तेमाल कर सकते हैं प्योर गेहूं के साथ यहाँ पर। और साथ में नटराज के यहाँ पर आरओ यहाँ पर मेरे में बसंत सेल्स के कारपोरेशन के यहाँ एमडी मेरे साथ हैं मुकेश जी। मैं पूछूंगा क्या क्या है इस बार आपके शोरूम में। गुड्डू भैया सर्वप्रथम तो मैं आपका मेला स्टॉल पर हार्दिक स्वागत करता हूँ, साथ ही आपके दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आपको बधाई देता हूँ कि पूरे ग्वालियर चंबल संभाग के दर्शकों को घर बैठे आप मेला घुमा देते हैं। उसके लिए आप 20 सालों से लोगों को घर बैठे मेला घुमा रहे हैं उसके लिए आप वास्तव में धन्यवाद के पात्र हैं और मैं आपको अपने तरफ से हृदय से साधुवाद देता हूँ। वोल्टाज की कैसी श्रृंखला यहाँ क्या है कि? गुड्डू भैया हम लोग यहाँ ग्वालियर चंबल संभाग के सभी दर्शकों के लिए वोल्टास की कंप्लीट रेंज लेकर आए हैं जिसमें एयर कंडीशनर में तो वोल्टास विश्व का माना हुआ नाम है। इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ। इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर गर्मी तेज होती है तो कूलिंग की बात आती है तो वोल्टास का नाम याद आ जाता है। मेरे पास आज भी 25-25 साल पुराने कस्टमर आते हैं एयर कंडीशनर सर्विस के लिए। इसका मतलब 25 साल से भी लोग सर्विस ले रहे हैं वोल्टास के एयर कंडीशनर के साथ में यहाँ वाटर कूलर्स डीप फ्रीजर्स वाटर डिस्पेंसर्स एयर कूलर्स वोल्टास कंपनी में। ये पूछूंगा आपसे स्कीम्स और फायदे क्या है, मतलब देखिए मेले का एक अट्रैक्शन होता है कंपनियों ने फायदे क्या दे रखे हैं। बिल्कुल ग्वालियर मेला आता ही उपहारों की सौगात लेकर है और वोल्टास चूँकि टाटा ग्रुप की कंपनी है तो यहाँ उपहारों का कोई काम नहीं है, यहाँ ग्राहक को सीधे रेट में भाव में फ़ायदा दिया जा रहा है। साथ ही हम एयर कंडीशनर के साथ में स्टेबलाइजर फ्री दे रहे हैं। अच्छा, बिल्कुल ये, फ्री ये फायदा हो गया ना क्योंकि स्टेबलाइजर एसी के साथ नहीं मिलता है, आप यहाँ पे टोटल फ्री दे रहे हैं। हर एयर कंडीशनर की खरीद पर स्टेबलाइजर फ्री है और इंस्टॉलेशन भी फ्री है। बिल्कुल सर। और साथ में आटा चक्की जैसे आप लाए हैं नटराज की। हाँ, इस बार नटराज की पूरी रेंज है हमारे पास, घरेलू आटा चक्की है, कॉमर्शियल आटा चक्की है, जिन लोगों को घर में दवाइयाँ और इन सब के इस्तेमाल करना होता है उसके लिए भी छोटी चक्की हमारे पास उपलब्ध है। छोटी चक्की मतलब जो घर में आयुर्वेदिक दवाइयाँ वगैरह अपने लिए दवाइयाँ तैयार करते हैं बिल्कुल उसके लिए छोटी चक्की आपके पास मौजूद है। बिल्कुल सर। अच्छा, क्या कहना चाह रहे हैं आप दर्शकों जो सीधा टीवी पे आपको देख रहे हैं? मैं सभी दर्शकों से अनुरोध करता हूँ एक बार ग्वालियर मेला जब भी घूमने आए एक बार हमारे स्टॉल पर जरूर विजिट करें और मैं इस बात के लिए आश्वस्त करता हूँ कि पूरे ग्वालियर चंबल संभाग में घर बैठे आपको मुफ्त सर्विस उपलब्ध रहेगी। हमेशा सर्विस फ्री रहेगी? नहीं, हमेशा सर्विस फ्री नहीं रहेगी, वारंटी पीरियड में फ्री सर्विस रहेगी लेकिन सर्विस रहेगी। तो मैं ये कहूँगा देखिए अगर आप कोई प्रोडक्ट ऐसा लेना चाहते हैं जो सालों साल आपके साथ रहे, एक विश्वसनीय शॉप आपके साथ यहाँ पे मिलेगा आपको बसंत सेल्स कारपोरेशन, क्योंकि संजय कॉम्प्लेक्स में इनका अपना खुद का स्थानीय शोरूम है और ग्वालियर व्यापार मेले में कंपनी के साथ इन्होंने यहाँ पर ये शोरूम छत्ती नंबर 3 पर लगाया है। एसी प्लान कर रहे हैं, वाटर डिस्पेंसर प्लान कर रहे हैं, वाटर कूलर प्लान कर रहे हैं, आप आटा चक्की प्लान कर रहे हैं तो मैं कहूंगा आइए, और डीप फ्रीजर प्लान कर रहे हैं आइए एक बार देखिए कंपेयर करिए अन्य कंपनीज के मुकाबले वोल्टाज क्यों बेटर है, समझिए यहाँ आके पूरा उसको समझिए कंपेयर करिए, अगर आपको पसंद आता है फिर लीजिए। छत्ती नंबर 3 पे मिलेगा आपको वसंत सेल्स कारपोरेशन वोल्टाज कंपनी का ये शोरूम। यहाँ से शंकर सेल्स कारपोरेशन के मल्टी शोरूम में। ये है दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं गीजर, ये शंकर सेल्स कारपोरेशन का ये मल्टी शोरूम है और यहाँ पे आप देखेंगे होम अप्लायंसेज, यहाँ पर होम अप्लायंसेज में आपको संपूर्ण श्रृंखला मिलेगी जो आप अपने घर में
इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे होम अप्लायंसेज और ओटीजी यहाँ पर मौजूद, साथ में मिलेंगी यहाँ पे आपको एलईडी के साथ यहाँ पर आपको वॉशिंग मशीन में आपको मिलेंगे ये शानदार चूल्हे साथ। यहाँ पर इस समय शंकर सेल्स के इस मल्टी शोरूम के मैनेजर मौजूद हैं। मैं पूछूंगा कि क्या है शोरूम के अंदर। शोरूम के अंदर आपको है ना ओवरऑल सारी चीज़ें जो अपन घर में यूज़ करते हैं ना वो सारी चीज़ें आपको एक ही जगह मिल जाएंगी। जैसा कि है ना कूलर की बात करें, अब है ना सर गर्मियों का सीजन चालू होने वाला है, इसके साथ में मैं आपसे ये पूछूंगा मल्टी में मतलब जैसे आपकी ये मिक्सियां हैं प्रोसेसर है या प्रेस है या ओटीजी है। मिक्सियां लगभग कितनी कंपनियों की होंगी? मिक्सियां अपने पास फिलिप्स की है, तीन कंपनियों की मिल जाएंगी। तीन कंपनियों की मल्टी शोरूम है। और इलेक्ट्रॉनिक भी आपने साथ में लगा रखा है? इलेक्ट्रॉनिक में हमारे पास इंटेक्स है। फायदे हैं रीजनेबल रेट में, गिफ्ट वाउचर सब कुछ है हमारे पास, सब कुछ है। देखिए अगर आप ग्वालियर व्यापार मेला आ रहे हैं और ग्वालियर व्यापार मेले में अगर आप अपने होम अप्लायंसेस में कुछ लेना चाहते हैं तो इधर उधर परेशान ना हो, एक ही छत के नीचे सब कुछ आपको मिल जाएगा। ये शंकर सेल्स का शोरूम है 36 नंबर 2 पर। अगर मेला आते हैं तो घूमते यहाँ इनके शोरूम पे आइए, शंकर सेल्स जिंसी नाला नंबर 1 पर। इनका जो एक भव्य शोरूम है उसी का ये छोटा सेगमेंट यहाँ ग्वालियर व्यापार मेले में है, जहाँ पे आपको संपूर्ण श्रृंखला मिलेगी होम अप्लायंसेस की, यानी 36 नंबर 2 शंकर सेल्स के इनके शोरूम पर। यहाँ से सीधे अब धर्मेंद्र टी स्टोर, धर्मेंद्र भाई की कुल्लड़ वाली चाय। कुल्लड़ तो तुम्हारे नेक से रह गए धर्मेंद्र भाई। अरे आवाज जम जाएगा भैया, कुल्लड़ खत्म हो जाते हैं भैया, सुबह से खत्म हो जाते हैं। सुबह आया था तो लंबा सा ढेर लगा था, चलती रहती चाय आपके आशीर्वाद से, बहुत ही कृपा रहती है। धर्मेंद्र भाई अगर किसी का हल्का फुल्का बुखार टाइप का आ रहा है, फीवर टाइप का हल्का सा हो रहा है, तो आप क्या वो फीवर दूर करने वाली भी चाय है क्या? गारंटी से। और अगर किसी को थकान हो रही है या गारंटी से थकान दूर, चाय पीते ही पक्का एकदम। ये कुल्लड़ वाली इनके चाय है, और अगर आपको हल्की सी थकान हो रही है, अगर आप ऐसा लग रहा है कि फीवर आने वाला है, आ जाइए 36 नंबर 2 पे। मतलब बिना दवाई के बिना मेडिसिन के इनकी चाय में ही आपका बुखार दूर हो सकता है, ट्राई करके देख लीजिए। 36 नंबर 2 पे है अपना, 36 नंबर 2 और पार्क के लिए चलते हैं, 2 पे ही है, बिल्कुल बगल में ही है, शंकर सेल्स कॉर्पोरेशन के बगल में। अपने धर्मेंद्र टी स्टॉल धर्मेंद्र भैया की ये शॉप। दीपक जैन। आपका? एनी जैन। कहाँ रहते हो आप? मामा साहब का बाजार। और आप? मामा साहब का बाजार। आप भी मामा साहब के बाजार में रहते हो? और आप? मामा साहब का बाजार। किस जगह रहते हो? जैन मंदिर के पीछे। और आप? जैन मंदिर के पीछे। आप भी भैया? हस्बैंड वाइफ। अच्छा आप हस्बैंड वाइफ हो गए? ये सच्ची में हस्बैंड वाइफ हो आप लोग? हाँ। ये क्या है? बेबी है। बेटी है? ये किराए पे आया, झूठ बोल रहे साहब। लड़का ये कल दूसरी के साथ घूम रहे थे, इनका काम यही भाई साहब का। नहीं मैं इसलिए लड़का है। नहीं वो तो ठीक है, मैं कंफ्यूज था, आप परसों मेले आए थे कल नहीं आए थे, इसलिए तो मैं सही बिल्कुल सही बोल रहा हूँ, परसों आए थे तो उनकी आई थोड़ी सी कम थी, मैंने कहा भाभी जी इतनी लंबी कैसे हो गई, ये चक्कर है, परसों आए थे तो उनकी हाइट कम थी, कभी तो मैंने एकदम बुलाया आपको, तो मैंने कहा हाइट भाभी जी की लंबी कैसे हो गई, ये उस दिन परसों आप ही थे साथ में? अभी नहीं आए, पहली बार ही आए। चलो अच्छा वो समझ गया मैं, कोई बात नहीं है, पहली बार आए हमें क्या दिक्कत है, वो आ ही नहीं सकते उन पे विश्वास है। हाँ कोई बात थोड़ी है ना, मैं कहाँ मना कर रहा हूँ, विश्वास है आपको, यही होता है जिसपे सबसे ज्यादा विश्वास होता है ना वही विश्वासघात करता है। आंटी जी मैं गलत तो नहीं कह रहा हूँ, जिन पर सबसे ज्यादा विश्वास होता है वही करता है। अब आपको करना है करो, नहीं करना कोई बात नहीं, हमारी तो देखो परसों देखा मैंने, इसलिए तो बोला हाइट एकदम कैसे बढ़ गई आपको, कोई बात गुजरात से इतना कमल ढोकला मामा का बाजार गुजरात में कहाँ से आ गया? मामा का बाजार गुजरात में कहाँ है? अरे मैं इनको अहमदाबाद से लेकर आई हूँ, वो मेरी माँ के संस्कार है, उनने कहा था कि मामा का बाजार तो माँ का भाई तो अहमदाबाद। वैसे इनका अपना लगा रहता है, इनका ले लूँ कौन? कौन है? ये मेरे चाचा की भांजी की बेटी की मौसी है। नजदीकी रिश्ता है, बहुत नजदीकी है भाई।
नजदीकी रिश्ता है। और ये भाई साहब दिख रहे हैं आपको, मेरे नाना के बेटे के अंकल के मौसा के ताऊ के फूफा के चाचा है ये वाले। ये बहुत अच्छे आदमी है बच्चा। ये पापा किसको बोल रहे थे इतनी देर से? चलो वेरी गुड, हम मिलकर कोई गाना सुना दीजिए। मेरे दिल की है आवाज कि बिछड़ा यार मिलेगा, मेरे दिल की है आवाज कि बिछड़ा यार मिलेगा, आज नहीं तो कल मुझे मेरा प्यार मिलेगा, आज नहीं तो कल मुझे मेरा प्यार मिलेगा। बस बंद कर दिया, मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया। आप प्रोग्राम तो देख रहे हैं हमारा, देखते हैं कैसा लगता है? अच्छा लगता है, सच्ची में अच्छा लगता है। चलो वो गलती हो गई भाई साहब, इनके सामने नहीं बोलना था, परसों वाली बात, कोई बात नहीं है। क्या नाम है आप? घनश्याम। घनश्याम, और आपका? राजकुमारी। अच्छा, कहाँ रहते हैं आप? बौद्धनगर घोड़ा। अच्छा, कितने बच्चे हैं आपके? तीन। तीन बच्चे हैं, दो बेटे एक बेटा दो बेटी। अच्छा, एक बेटी दो बेटे? दो बेटी एक बेटा। दो बेटी एक बेटा है। हाँ जी। तो आप दोनों की शादी हो चुकी है? नहीं अभी नहीं हुई। शादी नहीं हुई? दोनों की नहीं हुई? नहीं शादी नहीं हुई, बच्चे कहाँ से आते हैं? वो तो मना कर रही है शादी। तो संग में लाई होगी? नहीं तो इन्होंने क्या बोला है, संग में लाई होगी? संग में ही तो है हम दोनों, जब तो संग में बच्चे आए। शादी नहीं हुई? आप कह रहे शादी होगी, मैंने कहा नहीं हुई, बोला शादी इनकी भी शादी हो गई, हमारी भी हो गई, बच्चों की भी हो गई, सारों की। अच्छा, बच्चों की भी हो गई है? सात ससुर वाले हो गए, तीन हो गए, तीनों बच्चों की है। कहाँ रहते हैं आप लोग? बौद्धनगर घोड़ा। अच्छा, और आप? मैं भी वहीं रहता हूँ इनके साथ में, मैं कैसे अलग थोड़ी रहूंगा, एक साथ ही साथ में रहते हैं। अंकल हमारे मम्मी पापा अलग क्यों रहते हैं, सब लोग साथ रहते हैं। हमारे पापा बाबन की पाएगा के पीछे नल्ले के बगल में सोते हैं रोज, और मम्मी घर में हीटर जला के सोती हैं। ऐसा क्यों? तो भाई से बच्चे किराए पे मिलते हैं क्या कहीं? नहीं नहीं मिलते, मेरे को लगता है मैं किराए पे आया हूं। अरे नहीं नहीं, आप तो हमारे संग चलो ना, हम आपके साथ आपको देंगे, चार हो जाएंगे। अरे हो जाने दो, और ये और भाई, वेरी गुड। कितने साल आप लोग की शादी हो गए? 27 साल के। 27 साल, प्रोग्राम भी आप हमारा देखते हैं? बराबर देखते हैं, बढ़िया लगता है, सच्ची में, सच्ची में। तो मिलके गाना सुना दीजिए। हां जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा हमारा तुम्हारा, अगर न मिलते इस जीवन में लेंगे जन्म दोबारा, जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा हमारा तुम्हारा। अच्छा सुनाया है आपने, गाना भी बहुत अच्छा सुनाया है, आप पे सुटेबल था। नहीं 27 साल हो गए? नहीं 27 साल से आप लोग एक साथ में हैं, ये भगवान की कृपा है, है ना। बहुत से तो, बहुत से तो पति पत्नी ऐसे होते हैं 27 महीने में ही नमस्ते कर जाते हैं। नहीं साहब ऐसा हमारा हिसाब किताब नहीं अभी तक, हम लोग तो हिंदुस्तान की खासियत है कि यहाँ मदर्स डे हम लोग सेलिब्रेट जरूर करने लगे, लेकिन मदर्स डे है वो विदेशी, लड़ाई भी नहीं होती है ज्यादा, अच्छी बात है। हम लोग हम बारह काम देखते हैं, घर का काम देखते हैं। पत्नी पति पत्नी की यही पहचान है, मैं आपको सही बता रहा हूँ। एक लड़ रहा है तो दूसरा शांत हो जाए, एक लड़ रहा है तो दूसरा शांत हो जाए, कभी लड़ाई नहीं होगी। और दोनों बराबर से अगर लड़ेंगे तो वो ईगो टकराएगा, फिर उसका तलवार भी निकलेगी, चक्कू भी निकलेगा, सास भी आएगी, ससुर सब आते, सब आया, सब आते कि नहीं आते। चलिए वेरी गुड, मैं भी आपको भी गिफ्ट देता हूँ। हाँ साहब, क्या नाम है आपका? गाना आज ये साहब चलता पिलता म्यूजिक सिस्टम है क्यों? चाची चाची को बताया इसलिए बोल रहा हूँ, सॉरी भाई साहब। आज के बाद ये आंटी खड़ी है, पर आप मेरी चाची जैसे नहीं दिखते, पर मेरी जो है ना वो चाची। क्या कर क्या रहे? कोड वर्ड चाची और मेरा। तो ये टीवी से क्या होता है तेरा? चाची देखती है ना मुझे रोज, चाची जब तक मुझे नहीं देखती तब तक खाती नहीं है खाना। फालतू में कुछ भी कर देना चाची, अब नहीं करूंगा पक्का, तीन बार और अभी नहीं बाद में। हाँ। चाची दो रह गए अब नहीं। हाँ। चाची एक अब पक्का, वो टारगेट है भाई साहब, नहीं तो खाना नहीं मिलता। कहने की 25 बार बोल करूं यार। हाँ बेटे नाम क्या? आदित्य शर्मा। चाची हो गया कंप्लीट, टारगेट पूरा आज बच गया मैं खाना, पूरा टारगेट पूरा, खाना मिलेगा पूरा, खाऊंगा मोती चूरा, रह जाएगा मैं अधूरा। क्यों चाची चार हो गए, एक्स्ट्रा पॉइंट देसी घी भी मिलेगा। चुप रहे यार चुप रहे। हाँ। एक मिनट साहब, अलमारी में काजू रखे, चाची आज तो वो भी मिलेंगे। तो रहे। आदित्य शर्मा। क्या नाम है? आदित्य शर्मा। आप क्या सुना रहे बेटे? भजन। भजन। घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है,
मुस्कान तेरी मोहन पागल कर जाती है। दुख दर्दों को सहना बंसी ने सिखाया है, दुख दर्दों को सहना बंसी ने सिखाया है। उसके छेद सीने में फिर भी मुस्काती है। घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती। वेरी गुड, बहुत शानदार। क्या नाम है आपका? खुशी। अच्छा, आप क्या करके दिखा रहे हो? मिमिक्री और शायरियाँ। मिमिक्री? मिमिक्री किसकी करके दिखाओ? सास की बहू की। सास की बहू की? हाँ। सास की बहू की करके दिखाओ थोड़ा। सास की बहू की क्या होती है? मिमिक्री। तो 600 तो पकड़ा दिया उधर, कुछ कोई मेरे को लग रहा है गंभीर टाइप की तो नहीं है। क्या नाम है वैसे आपका? खुशी। कहाँ रहते हो? न्यू विवेक नगर में लग रहा हूँ। अच्छा, दिखाओ। पहले किसकी है? सास की। पहले सास की, दोनों की मिक्स करके दिखाओगे ना? चलो। अरे ओ बहू कितने मर गई, जरा अट्टे तो आ, कितना काम देख रहे पड़े। आई माँ जी कितने मर गई, शाहरुख की फिल्म देख रही थी मैं तो। सर शायरिया मैं भी निकाल लूंगा एकदम। सांस की सांस की एकदम प्यारी सांस की। भाई साहब शेर की, शेर की। अरे बिल्ली होती है ये। सॉरी सॉरी यार, कल भाई साहब मेरे से कहता कुत्ते की आवाज निकाल दो, मैं निकाल प्रियो करने लगा। मैंने चूहे की होती है, कहता हमारे घर में कुत्तों को चूहा बोला जाता है, इनको बताओ मैं करूँ क्या। मैं क्या करूँ तुम्हारा, मैं क्या करूँ? कुछ नहीं, देखो मैं तो कह रहा हूँ आज हमारे घर पे स्पेशल चाची ने गाजर का हलवा बनवाया है, अगर वो नहीं मिला तो मैं तड़पूंगा। क्यों चाची, अब वो भी मिल जाएगा। चलो कब कान तो बनकर देखो बड़ा सुकून मिलता है, चांद भी कभी झूठ बोलता तो तारे टूट कर गिर जाते हैं। निकाल दिया हमें जिंदगी से भीगे कागज की तरह ना, जराने के काबिल छोड़ा ना लिखने के काबिल। वाह वेरी गुड। और यूं ना देखा करो हमें हंसते हंसते, यूं ना देखा करो हमें हंसते हंसते, मेरे दोस्त करावे कह देंगे भाभी जी नमस्ते। वेरी गुड। और जलते थे जो जल जल के काले हो गए, जलते थे जल जल के काले हो गए, जिनकी बहन हम पे मरती थी आज वो हमारे साले हो गए। चाची साले हो गए। हाँ हो गया। यस सर। वेरी गुड। हाँ बेटे क्या नाम है आप? चश्मा उनका। हाँ विवेक गले आते हैं उनकी गले। ये भैया है मेरा। ओ लो जी मिल गए आप। अरे आ गए, तुम्हारी कमी थी, तुम्हारी कमी थी, आ गए। भाई साहब ये क्या, आप ये इनकी याददाश्त चले गई, वो पापा बोल रही है तुकन तुकन। लो जी मीठा खा लो जी। साहब मेरी शादी नहीं हुई कह रहा बीबी, हट जाए यहाँ से। नहीं जी मीठा। क्या का मीठा? खा लो जी। ओ जी मीठा खा लो। अरे यार क्या है ये, ये लो पानी खा, जल्दी का पानी पी लो। क्या है ये, कौन है ये? कौन है ये? मैं दीवाई। आप भूल गए मेरे को? और मैं नौकर। कमाल कर रहे हो यार। बेटा नाम क्या है तुम्हारा? विवेक सिंह राजावत। हाँ विवेक सिंह राजावत। विवेक सिंह राजावत क्या करके दिखा रहे हो? मिमिक्री। कितने हीरो हैं? पांच छह हीरो हैं। पांच छह हीरो हैं। क्या बता लो, चेहरा भी सही देखेगा, ऐसे उल्टा लगा लो, अब तुम हीरो भी लगने लगे और चेहरा भी साफ हो गया। पहले कौन से हीरो ला रहे? नाना पाटेकर। नाना पाटेकर। आ गए तुम, नहीं माने, नहीं माने, मेरा पीछा नहीं छोड़ोगे, नहीं छोड़ोगे, मेरे पीछे आ गए। क्यों छोड़ो तेरा पीछा? अरे नहीं छोड़ते, कुछ नहीं मिलेगा मेरा पीछा करके। कब का मिलेगा? फूटी कौड़ी नहीं है जेब में मेरे, फूटी कौड़ी। पूरी बीवी खा गई, कुछ नहीं है भैया, कुछ नहीं है। तेरी बीवी खाना खाती है, हमारी बीवी खाना खाती है। खाना हमारी बीवी तो कौड़ी खाती है, कौड़ी। क्या बात है, लठिया बढ़ती है, इतनी बड़ी लठिया। बेलन बढ़ती है? अरे बेलन नहीं, लठिया बढ़ती है भैया, लठिया। और कौन सा हीरो है? धनी देवल। ओए ओए कादिया फिर। अरे कादिया को छोड़, बाढ़ में जान दे उसको। तू अभी मेरी सुन, जो तू आया ना मेले में सिवाय मेरी बदौलत आया। ओए भाई गुरु की सुन। अरे भाई गुरु को भी छोड़। नहीं अरे छोड़ दे, छोड़ दे भाई गुरु की सुन, छोड़ दे। बस कर ओए बस कर, मेरे मन को भाया, मैं कुत्ता काट के खाया। और कुछ मिलेगा भी नहीं तेरे को, लोमड़ी का दूध पी के पला है ये जगीरा। माँ का दूध पी के पला हूँ, माँ का लोमड़ी का नहीं पीता। दबा 302 के तहत पान सिंह तुम्हारे मुरैना से ये कुत्ता काट के खाया। मेरा दोस्त आ गया है। अरे कर रहे हो, मैं आपको देख रही हूँ इतनी देर से, क्या क्या हो गया? मैंने किया, बदतमीजी कर रहा है।
क्या बदतमीजी कर रहे हो? सर मैंने कुछ नहीं किया, जबरदस्ती घुसी आ रही है इधर उधर। मैं तो आपके बदतमीजी कर रहा हूं मेरे साथ। मैं तो आपके बदतमीजी कर रहा हूं। क्या किया मैंने आपके साथ? बदतमीजी कर रहा हूं। क्यों हां मेरे को चूटी नहीं काट रहे हैं यहां से? क्या हो गया? हेलो मैम, भगवान की कसम मैंने कुछ नहीं किया, बंसी वाली कसम आगे करो। बदतमीजी कर रहा है। क्या कर रहे हो? कुछ नहीं किया। ये बदतमीजी कर रहा है मेरे साथ। नहीं किया ये, नहीं किया मैंने, कुछ नहीं किया। झूठ बोल रहा है। तो आप मेरी बात सुनो ना। उठ जाओ, उठ जाओ। नहीं इधर ही खड़े रहो एक मिनट। भैया सर मैं कुछ नहीं किया, बंसी वाली कसम आ गया, मम्मी पापा की कसम मैंने कुछ नहीं किया। इंसिडेंट होती है, मिले छह नंबर छत्र पे। अरे मैं कुछ नहीं किया दीदी, मैं कुछ नहीं किया। आप दीदी बोल रहे हो? मैं कुछ किया नहीं है। अरे नहीं किया मैंने, सॉरी मैं कुछ नहीं किया। अरे भैया मैं कुछ नहीं किया, मैं कुछ नहीं किया, अपनी मम्मी की कसम खा के आ रहा हूँ। आगे देख लो और क्या है, आप उधर देख रही, मैं आगे हट जाता हूँ। सर मशीन चला दो सॉफ्टी की, सर मैं कुछ नहीं पकड़ा, मैं बहुत गरीब हूँ मैडम। अरे नहीं भाई साहब, मैं आपके पैर छूता हूँ, बहुत गरीब हूँ। देख लो आया नहीं चार दिन से। सर मैं कुछ नहीं, दोस्त है सॉफ्टी बेचता, मैंने भी देखा इसको। आप फालतू इल्जाम मत लगाओ किसी पे। भाई साहब तो आप इसको बचाइए नहीं, मेरे में दीदी मैं हम जानते हैं। अगले को बुला लो पुलिस। मैडम मैं कुछ नहीं किया, मैं आपका पैर छूता हूँ। पुलिस को बुलाइए। अरे तो पुलिस को बुलाइए। अरे नहीं छेड़ा भैया मैंने, कुछ नहीं किया सर, कुछ नहीं किया। मैं अपनी मम्मी की कसम। अरे कुछ नहीं किया, मेरी बात सुनो, तुम सही सही बताओ, तुमने उनको छेड़ा है? सर मैं अपनी मम्मी पापा की कसम आयु, मैं मरा मुँह देखूँ उनका, कुछ नहीं किया मैंने। अरे शांत रहिए, कितनी बुरी एक में शांत रहो, इधर इधर शांत रहो। आज क्या देखा उनको, कहीं नहीं छेड़ा उन्होंने यार। तो हमारे कलाकार, अरे एक मिनट एक मिनट, खड़े रहो, खड़े तो रहो एक मिनट एक मिनट। आप अरे मजाक कर रही, मजाक ये तो, अरे हम कर रहे मजाक, देखो आज की दिखा लो टीवी पे, आपका बकरा बन गया। वास्तव में झटका लग गया, क्या पसीना आ गया सर, बड़ी ठंड सर्दी में देख लो और क्या हो गया, बड़ा झटका क्या है, पसीना आ गया। नहीं झटका था ये हमारा कार्यक्रम जो है, मेरी बात सुनो, हमारे साथ कलाकार भी रहते हैं, मेरे साथ कलाकार जो रहते हैं जान नहीं लेता है, हंसी देता है, मेरी तो सुन लो। ये सर हंसी का है, चलो आधा रह गया वो तो। कोई 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 ऐसा कुछ नहीं यार, मैं तो आपका कुशल थापा। कहाँ रहते हो? चंदन नगर। चंदन नगर मेले का प्रोग्राम भी देख रहे हो आज, ये डांस करके दिखा रहे हो, चलो मैं खबर कर। कहाँ पर है? रिंग रोड। इसमें हॉर्स राइडिंग है, इसमें बर्थडे सेलिब्रेट किया जाते हैं, और CIC 10 तक हो चुका है, और इसमें कई सारी फैसिलिटी हैं, और इसमें टोटली हर चीज अच्छी है, पढ़ाई फ्यूचर बचपन से लेके 10 तक क्लास तक हर चीज वो सिखाई जाती है जो एक स्कूलों में सिखानी चाहिए। वेरी गुड। एक आपके लिए MIS कहाँ पर है? ये शिवपुरी लिंक रोड। एक आपके लिए कहाँ तक हो गया है? 10 तक। और CBSE एक आपके लिए MIS से। एक आपके लिए बहुत शानदार डांस किया था जी यार, हाँ राजिक। एक आपके लिए भी रख लो झटका, क्या नाम है आपका? रिसीडेंट होती है। सीडेंट होती है, बहुत शानदार। एक आपके लिए भी MIS से, एक आपके लिए बेटे MIS मेट्रोपॉलिस इंटरनेशनल स्कूल से, एक आपके लिए भी है, एक आपके लिए। फैशन फैमिली कलेक्शन कहाँ पर है? मुरार गरम सड़क। हाँ, और कितने मंजिल का शोरूम है? सही से नहीं, 3 मंजिल का है, महारानी लक्ष्मीबाई कॉलेज के सामने। उनकी तरफ से एक आपके लिए शानदार स्टॉल मेरे पास, ठीक है, शानदार स्टॉल एक आपके लिए है। तो झटका आपको लगा है? झटका लगा है, बहुत जोर का लगा है सर, जोर का लग गया, जोर का करंट लग गया भयंकर वाला, पसीना। लेकिन अब मजा आ रहा है? अब मजा आ रहा है, सच्ची में, सच्ची में। चलिए नहीं, जिसके साथ होता है वो झटका भी देखो, बड़े बड़े चैनल पे जो चल रहा है प्रोग्राम, हम तो छोटे से चैनल पे प्रयास कर रहे हैं, बड़े बड़े चैनल पे तो इससे बड़ा झटका दे देते हैं। चलिए अभी आपको मैं गिफ्ट देता हूँ, उसका झटके का गिफ्ट क्या, एक आपके लिए है। पापा जी प्रोग्राम भी देख रहे हो घर पे आप, कैसा लगता है? अच्छा। आज ज्यादा लगेगा क्योंकि आज आपका डांस है ना। एक आपके लिए पद्मश्री चाय से रख लो, RIT कंपनी, नया बाजार। प्रोग्राम देखते हैं, गालब चक्की फ्रेश आटा, क्या खासियत है इसमें? है ना, रोटी बहुत इसकी मुलायम बनती है, और भूख भी इससे अच्छी लगती है, जो नहीं खाता है वो भी खाना सीख जाता है। इसमें आटा 3 बार ठंडा करके तब भरते हैं, ठंडा। वेरी गुड। और क्या क्या है इसमें? प्रोटीन, नमक, मतलब सब कुछ इसमें, दलिया भी आता है इसका, सबको ज्यादा बच्चे बड़े बूढ़े सब लोग खा सकते हैं इसको, कोई इसमें परेशानी नहीं है।
और इसको फेसबुक पर डाल दे तो उसमें वो मिलता है उनको, फेसबुक पर डालो तो सेल्फी भी सेल्फी मिलती है फेसबुक। एक आपके लिए रख लीजिए गालब चक्की फ्रेश आटा से आपके लिए। हजीरा इंडस्ट्री और कहाँ पर अभी नया खुल गया ना, खाटीपुर, खाटीपुर पे भी है। एक आपके लिए है रख लीजिए, एक आपके लिए भोगरा नमकीन और पिंटो पार्क पे भी है। ये एक आपके लिए और दे देता हूँ, ये ताजमहल पोहा। आप पोहा खाते हैं आप लोग? हाँ। इसको चिड़वा भी बोलते हैं कई जगह, पोहे को चिड़वा भी बोलते हैं, बोलते हैं ना हाँ गुजराती में। और दिल्ली में तो चिड़वा ही नाम से, एक बार तो मैं दिल्ली में परेशान हो गया था, 12-13 दुकान पे पूछा है पोहा है, हमने मना कर दी। फिर मेरी दीदी ने बताया भैया चिड़वा करके पूछना तब जाके मेरे को पोहा मिला, ठीक है ना। तो उसको चिड़वा भी बोलते हैं। ये ताजमहल का पोहा आपके लिए या उनके लिए जो परसों आए थे? किसी के लिए भी दे दो, एक ही बात हो तो क्या दिक्कत है। देखो सच कभी नहीं छुपता नहीं है। इन्हें क्या बोला, किसी के लिए भी दे दो, हमें क्या परेशान है। जिसको देना है इनको देना, इनको देना उनको देना, उनको दे देना, ये मेरी गारंटी है। बाजार से खरीद के अब आप उनको जरूर दोगे क्योंकि आप कैमरे में बोल रहे हो। के लिए रख लिए ताजमहल पोहा से। ये हरी बाबू पोहा वाले हैं दाल बाजार में, हाँ मैन स्टॉकिस्ट है। एक आपके लिए भी है ताजमहल पोहा से, आपके लिए भी है ताजमहल पोहा से, बाजार में हर शॉप पे उपलब्ध है। एक आपके लिए, एक आपके लिए भी है ताजमहल पोहा से, एक आपके लिए। भोगरा कहाँ पर है ये भोगरा नमकीन? हजीरा इंटेक के सामने, घाटीपुर पे भी खुल गया है। और पिंटो पार्क, एक आपके लिए है, आपके लिए एक, आपके लिए आपके लिए है, एक आपके लिए है, एक आपके लिए, और एक मेरा पद्मश्री चाय, कड़क चाय एक आपके लिए रखो। आपके लिए भी पद्मश्री चाय से, आपके आपके लिए है, हाँ एक आपके लिए है, एक रखो हो गया, एक आपके लिए और एक एक और है। भागीरथ फर्नीचर, भागीरथ प्लाजा छत्ती नंबर 8 से, एक एक आपके लिए। और फर्नीचर आपने देखा शोरूम टीवी पे? हाँ। कैसा लग रहा था फर्नीचर? अच्छा है। सच्ची में उस पर भी जाना है, जाना है ना, आप घूम के आना, मैं आपको गारंटी ले रहा हूँ। बाजार से बहुत रीजनेबल रेट है उनके, जो उनके डबल बेड जिस रेट में मिलेगा ना किसी बड़े शोरूम पे जाना, ऑटोमेटिक 15,000 रूपए ज्यादा मिलेगा उन्हीं के पास जा रहे हैं। हाँ देख कर आइए, छत्ती नंबर 8 पे। एक आपके लिए है भागीरथ प्लाजा से, आपके लिए भी है, एक आपके लिए है, एक आपके लिए है, एक आपके लिए भी है। ये तुम्हें फायदा हो गया, बहुत अच्छा सर है ना, इस बहुत अच्छे। देखो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, अब झड़के का पसीना गायब हो गया? अब तो गड़ गया, विद्या रानी कदम नहीं नहीं हो गया, गायब हो गया? धक धक तो अभी भी हो रही है, अभी भी धक धक हो रही है, धक धक तो होगी ना। एक आपके लिए विशाल विंडो कूलर है, झटका है ना, इस साल का झटका, आज का झटका आप हो। क्या नाम है? रेसिडेंट होती है? नहीं नहीं किया, आटा यूज किया है। आटा कैसा है? आटा अच्छा है, गारंटी है मेरी, मैदा भी आपको पसंद आएगा। गालब चक्की फ्रेश से आपको तो मिल गया, आपके लिए सूजी है, आपके लिए भटूरे आते हैं बनाने, गालब के बनाए मैदे के? हाँ पिछले साल बने। कैसे बने थे? टेस्टी। पक्का? एक आपके लिए, एक आपके लिए है सूजी, एक आपके लिए है मैदा गालब चक्की फ्रेश आटा से, और आपके लिए सूजी है, हाँ इससे हलवा बना लेना खा के। एक आपके लिए विशाल अलमारी से, और विशाल विंडो कूलर, विशाल अलमारी, विशाल विंडो कूलर, विशाल अलमारी से है, विशाल विंडो कूलर से है। एक आपके लिए और है, एक और है मेरे पास आपके लिए, बिंदल फैशन फैमिली कलेक्शन से। एक आपके लिए कीरिंग, और आपके लिए, आपके लिए, एक आपके लिए है बिंदल फैशन फैमिली कलेक्शन से, आपके लिए भी है, एक आपके लिए और एक आपके लिए। ये मुरार में जो खुला है, आप टीवी पर देख रहे होंगे, शानदार शोरूम है, ठीक है ना, शानदार नहीं, शानदार से भी शानदार है। एक एक और आपके लिए, हाँ रीडास शूज से एक आपके लिए और है, एक आपके लिए रीडास शूज से, एक आपके लिए रीडास शूज से, एक आपके लिए। स्पोर्ट्स शू पहनते हो आप? रीडास के पहने हैं? चुका हूं। कैसे निकलते हैं? मस्त। पक्का? एक आपके लिए रीडास शूज से, एक आपके लिए भी है, और एक आपके लिए छत्ती नंबर 3, एक आपके लिए अग्रवाल फोटो फ्रेम कश्मीरी गेट और छत्ती नंबर 3, हाँ गोल्डन लाइफ इंडक्शन कुकर के सामने से है। एक आपके लिए भी अग्रवाल फोटो फ्रेम से, एक आपके लिए और है गोल्डन लाइफ स्मार्ट गैणी की स्मार्ट पसंद गोल्डन लाइफ इंडक्शन कुकर। और कितने सालों का विश्वास है? 12 सालों का विश्वास। एक आपके लिए गोल्डन लाइफ से, आपके लिए भी है गोल्डन लाइफ इंडक्शन कुकर से, आपके लिए है, एक आपके लिए भी है गोल्डन लाइफ इंडक्शन कुकर से, और इसमें दो पल्सर बाइक भी है। वेरी गुड। एक आपके लिए है गोल्डन लाइफ इंडक्शन कुकर से, एक आपके लिए भी है गोल्डन लाइफ से, एक आपके लिए और है, एक एक और है आपके लिए कॉम्प्लीमेंट्री। ये चॉकलेट और है, रख लो।
ताजमहल पोहा से। अरे आपके हाथ एंगेज हो गए, एक आपके लिए भी है, आपके लिए भी है ताजमहल पोहा से, आपके लिए एक, आपके लिए ताजमहल पोहा से एक, आपके लिए, आप दोनों के लिए है। ठीक है, उनको तो आप अलग दे ही दोगे। तो देगा हाथ खड़ा कर देगा। कौन सा है? कौन सा? ताजमहल, ताजमहल पोहा से रख लो, एक आपके लिए है। हाँ, ताजमहल पोहा से। कौन सा है बेटे? ताजमहल। ताजमहल कहाँ मिलता है? आगरा में। एक आपके लिए है ताजमहल पोहा से। इधर रीना शर्मा रखो, एक आपके लिए रख लो, ताजमहल पोहा से आपके लिए जो पहाड़ है। इधर चलता हूँ भाई साहब, नाम क्या है? अरपी यादव। एक आपके लिए रख लो, पद्मश्री चाय से। भाई साहब नाम क्या है? इंग्लिश। रख लो पद्मश्री चाय से। क्या नाम है आपका? रानू। कहाँ रहते हो? घोड़ा पे। ये मेले का प्रोग्राम देख रहे हो? हाँ। एक आपके लिए रख लो, बिंदल फैशन फैमिली कलेक्शन से आपके लिए। क्या नाम है आपका? मेरा उषा। एक आपके लिए रख लो, बिंदल फैशन रखो फैमिली कलेक्शन से, एक आपके लिए ऊपर। क्या नाम है आपका? मंजू देवी। कहाँ रहते हैं? बिंदल फैशन फैमिली कलेक्शन से एक आपके लिए उपहार है। इधर क्या नाम है आपका? आरती। एक आपके लिए रख लो, बिंदल फैशन फैमिली कलेक्शन। दोस्तों यहाँ से आप सीधे सिम्फनी कूलर शोरूम के अंदर, ये दोस्तों छतरी नंबर एक पर सिम्फनी कूलर शोरूम्स के अंदर का नज़ारा जो अभी आप अपने टीवी पर देख रहे हैं, ये यहाँ पर आपको मिलेंगे एसी टच। यहाँ पर ये कूलर्स हैं प्लास्टिक बॉडी में, एक से एक ये शानदार कूलर। पूछूंगा जैसे जो लोहे की बॉडी में कूलर था, हाँ जी, आपके जैसे प्लास्टिक बॉडी में है, तो दोनों में पहले तो अंतर क्या होता है? देखिए सर, इसमें क्या, ये पूरा अपना फाइबर का है। लोहे में फाइबर में सर बहुत अंतर आता है कि अपने यहाँ पानी है हार्ड, लोहे की बॉडी को क्या पूरा ख़त्म कर देना, फिनिश कर देता है। इसमें क्या है, वाटर अपना बिल्कुल चिपकेगा नहीं किसी भी तरीके से, कहीं भी आपको वाटर नहीं चिपकेगा नहीं। और दूसरा 80 लीटर का टैंक दिया हुआ है इस कूलर के अंदर, तो इससे क्या होगा, पानी आराम रात भर आराम से चलेगा। पैड भी हनीकॉम पैड है, जिसके कारण क्या होता है कि पैड में हनीकॉम पैड से पानी कम ऑब्जर्व करता है और अच्छा कूलिंग करता है। जैसे बंद कमरे में हम लोग रखते हैं, हाँ जी, तो बंद कमरे में बड़ा सफोकेशन टाइप का हो जाता जी, जी, है। जी, जी, जी। तो ये कूलर बंद कमरे में कितना इफेक्टिव है? सर बंद कमरे में इसका बहुत इफेक्टिव है। क्या होता है कि जो लोहे वाले कूलर होते हैं वो क्या एकदम थ्रो देते हैं, तो क्या गैस जो रूम के अंदर हवा होती है वो है ना निकल नहीं पाती, इसका थ्रो कम है, लेकिन कूलिंग आपको प्रॉपर देगी जिसके कारण उमस नहीं होगी, पानी नहीं फेंकेगा जिसके कारण चिपचिपाहट नहीं आएगी अपने रूम के अंदर। कूलिंग इसलिए इसकी बहुत बढ़िया है। अच्छा, मेले में लेने में भी क्या फायदे हैं? सर मेले में लेने का फायदा ये है कि आपको ऑक्सीजन का रेट मिलेगा। दूसरा, जो अभी MRP बढ़ने वाली है इसकी गर्मियों में, उससे आपको निजात मिलेगी। अभी जो क्या है कि कंपनी ने जो आपको रेट दिया है हमें डीलर वाला, वो आपको मिल जाएगा। कितने मॉडल्स अभी अवेलेबल है यहाँ पर? सर यहाँ पर हमारी सिम्फनी की सारी रेंज लगी हुई है, लगभग 47 के समथिंग मॉडल लगे हुए हैं अपने यहाँ पर सिम्फनी के, सारे रेंज के कूलर है सर अपने यहाँ पे। और हाँ, क्या कहना चाह रहे हो दर्शक आपको टीवी पर देख रहे हैं? सर मैं दर्शकों को ये कहना चाहता हूँ कि एक बार सिम्फनी के स्टॉल पर आइए, एक बार अपने मॉडल को देखिए, इतने जितने भी सारे कूलर हैं एक सारी सारी खासियत में, सारे इन्वर्टर पर चलेंगे, आप एक बार यूज़ करके देखिए। गारंटी देता हूँ कि अपने गर्मी के अंदर ये मई जून के अंदर आपको रजाई ना उड़ा दे तो बात करना था। चलिए वेरी गुड, अगर आप लेना चाहते हैं ऐसा कूलर जो गर्मी में आपको एसी जैसी फीलिंग दे कि आपका एयर कंडीशनर लगा हुआ है, जैसे ये टावर कूलर है, ये बिल्कुल टावर कूलर है, जैसे एयर कंडीशन में टावर आते हैं उसकी तरह ये आपको फीलिंग देगा, और बंद रूम में भी आपको सफोकेशन नहीं होने देगा। तो मैं कहूँगा आइए छतरी नंबर एक पर विशाल शोरूम के बिल्कुल साथ में मिलेगा सिम्फनी। ये छतरी नंबर एक पे कंपनी का शोरूम है, और जो अभी फायदे मिल रहे हैं वो फायदे आपके लिए हैं, आप चाहें तो उसका लाभ उठाइए। आइए ग्वालियर के व्यापार मेला छतरी नंबर एक सिम्फनी विशाल के बिल्कुल बगल में, सिम्फनी के इनके पंडाल में, यहाँ से सीधे भागीरथ प्लाजा छती नंबर 8 पर। ये दोस्तों छती नंबर 8 पर आप बाहर भी देख रहे हैं, एक ये डिस्प्ले लगा हुआ है शानदार सोफे का, साथ में ये आप देख रहे हैं अट्रैक्टिव, यहाँ पे आपको डबल वेट्स की एक बहुत बड़ी यहाँ विस्तृत श्रृंखला आपको मिलेगी, और एक साथ आपको यहाँ पे मिलेंगे यहाँ ज्वाइनिंग टेबल, एक से एक यहाँ आपको डिजाइन में एक से एक एक्सक्लूसिव यहाँ पे ज्वाइनिंग टेबल की श्रृंखला, और साथ में विवाह पैकेज की एक बहुत बड़ी, ये आप देख रहे हैं ये भागीरथ प्लाजा जो छती नंबर 8 पर लगा हुआ है।
पूछूंगा कैसा रिस्पांस? रिस्पांस बढ़िया है सर, इंक्वायरी अच्छी आ रही है। अभी जितने भी लोग आ रहे हैं ना, सभी भागीरथ प्लाजा में आ रहे हैं, और जो आप स्कीम दे रहे हो ना सभी लोगों को, पुराने फर्नीचर लाओ, नया ले जाओ, पुराने फर्नीचर के फोटो आने लगे। बिल्कुल बिल्कुल आने लगे, पर आड़ियां आती हैं वो अपना फोटो खींच करके लेके आती है मोबाइल से। और मैं फिर भी दर्शकों से कहूंगा, आप मेले आओ ना तो अपने पुराना फर्नीचर जो भी एक्सचेंज करना है तो वन टाइम में ही आपका क्लियर हो जाएगा। आप उसका फोटो डाल करके, दो तीन फुटेज डाल करके और ले आए तो मैं उसे देख करके आपकी यही कॉस्टिंग हल्की हल कर दूंगा। यहाँ आप तो आपने मेले में भी आपका भागीरथ प्लाजा आपका जो गुब्बारा फाटक है वही शोरूम है? हाँ बिल्कुल, ये शोरूम की हमने फुटेज है ना, वीडियो फ्रेम चल रही है। हाँ। तो जो लोग मेले में आते हैं ना उन लोगों को विश्वास नहीं होता ना कि यार आपका कोई शोरूम भी होगा। हाँ। या शोरूम में एक्सक्लूसिव क्या आइटम लगा हुआ है, तो वो सारी फिल्म यहाँ पे बराबर दिखा रहे हैं हम उनको। वेरी गुड। मतलब विवाह पैकेज जैसे आपने मुझे पहले बताया था, किसी के पास पूरा पैसा नहीं है। जी जी। फाइनेंस स्कीम है? हाँ बिल्कुल, फाइनेंस स्कीम है, फाइनेंस करवा देते हैं। जो भी आइटम, क्या फॉर्मेलिटीज करनी पड़ती है उसके अंदर? सर क्या है, एक तो अपने को आधार कार्ड देना पड़ता है, एक पैन कार्ड देना पड़ता है, एक बिजली का बिल रहता है, और दो क्या है क्रॉस चेक रहते हैं। बस इतने चार आइटम चाहिए अपने को, उसमें है ना बैंक वालों से हम फाइनेंस करवा। फाइनेंस आप कहाँ कहाँ तक के लोगों के लिए कर रहे हैं? नहीं सारे, जहाँ का भी आदमी हो कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल कोई भी हो, बिल्कुल बिल्कुल फाइनेंस हो जाएगा। तो क्या कहना चाह रहे हो दर्शक आपको टीवी पर देख रहे हैं? बिल्कुल, दर्शकों से निवेदन करूंगा कि आप मेले आ रहे हैं तो अवश्य एक बार भागीरथ प्लाजा पे आए, छतरी नंबर 8 पर। वहाँ आपको सारी स्कीमें रूबरू समझने में आ जाएंगी, पूरा फर्नीचर आपको देखने में मिल जाएगा, और हर चीज है ना आपको जो बढ़िया तरीके से है ना हमने डिस्प्ले लगाया है वो आपको देखने को मिल जाएगा। देखिए मैं आपको पुनः बता दूं मित्रों, 21,000 से शादी का पैकेज चालू है, और यहाँ जो फर्नीचर आप देख रहे हैं एक बार कंपेयर करिए, यहाँ रेट ले जाइए और वैसा ही मिलता जुलता वही लकड़ी में या वही ब्रांड का फर्नीचर अगर आपको कहीं और मिलता है तो वहाँ रेट ले लीजिए, आपको पता लग जाएगा कि कितने रीजनेबल रेट है यहाँ भागीरथ प्लाजा पर। ये छती नंबर 8 पे है और शहर में इनका ही है ना, एक 5 मंजिल का, एक 3 मंजिल का गुब्बारा फाटक जिनसी नाला नंबर 2 पे इनका शोरूम, लेकिन ग्वालियर व्यापार मेले में भी ये मिलेंगे गुप्ता जी, छतरी नंबर 8 पर भागीरथ प्लाजा गुप्ता एंटरप्राइजेज और बिल्सन होम अप्लायंसेज के ये नाम से भागीरथ प्लाजा का ये शोरूम मिलेगा। 21,000 से शादी का पैकेज है, पुराना फर्नीचर एक्सचेंज करना चाहते हैं वो सुविधा उपलब्ध है, यानी पुराना फर्नीचर लाओ नया एक्सचेंज करके ले जाओ, छती नंबर 8 भागीरथ प्लाजा पर। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के कॉन्सेप्ट की, और आज का कॉन्सेप्ट है यहाँ पर सुपर वुमेन्स 2018 MIS आओ मेला चला, पहला कॉन्सेप्ट सुपर वुमेन, बहुत सारी यहाँ पर महिलाएं मौजूद हैं। क्या नाम और कहाँ से? देखा रजक, विनय नगर, सिंधी की छावनी रानी, वर्षा राठौर आगरा से। आगरा? आपने ग्वालियर में? हाँ मायका है ग्वालियर में। तो आपने यहाँ प्रोग्राम देखा? हाँ देखा है। चक्कर है इवन सरीदा राइडर गुलपड़िया से माधुरी। कहाँ रहते हैं? धर्म कांटे। सुमन रातिम तारागंज। रीता साहू नाका चंदनी। दीपिका अग्रवाल सिंधे की छावनी। एक काम करिए, 5 सेल्फी लेके दिखाइए अलग अलग तरीके से, लगना चाहिए सेल्फी है। 1, 2, 3, 4, 5 वेरी गुड, सेल्फी लेके दिखाइए। 1, 2, 3, 4, 5 वेरी गुड। 1, 2, 3, 4, 5 वेरी गुड। हाँ भाभी जी सेल्फी लेके दिखाइए। 1, 2, 3, 4, 5 वेरी गुड। हाँ भाभी जी 5 अलग तरीके से। 1, 2, 3 वेरी गुड। 4, 5 अलग तरीके से। 1, 2, 3, 4, 5 अलग तरीके से। 1, 2, 3, 4 चलिए वेरी गुड। 5 अलग तरीके से। 1, 2, 3, 4 अरे वेरी गुड। अच्छी है समझ लीजिए, और अच्छे पड़ोसी है आप, इनकी जरा तारीफ करिए, पड़ोसी की तारीफ कर दीजिए आप। आप तो बड़े अच्छे हो, आपका नेचर बहुत अच्छा है। हमारी मम्मी कह रही थी वो पड़ोस में रहती है वो दीदी, उनका नेचर बहुत अच्छा है, आप सही है बहुत अच्छी, मेरे को ही बहुत अच्छी लगी हैं आप, कभी आना घर पे चाय बैठ के पियेंगे साथ में। आप भी तारीफ कर दो। बहुत अच्छे हो, आपके कपड़े भी बहुत अच्छे हैं, आप बहुत अच्छी लग रही हो, बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही है। आप आना हमारे घर चाय पानी। आप ये पड़ोसी आए, आपके नए आए हैं,
तो आप इनकी तारीफ करिए, आपको इम्प्रेस किया है इन्होंने। आप कहाँ से आई हो? आप बहुत अच्छी है, हमारे बच्चे बोल रहे हैं आंटी बहुत अच्छी है, मम्मी इनके यहाँ जल्दी चलो, इनके बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा खाना बनाती है। आप तारीफ करिए, पड़ोस में रहने आई है ये। अरे पड़ोसी तो बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा खाना, बहुत अच्छा खाना बनाते हैं, बहुत अच्छे हैं। अरे ये इनकी बात, इनकी तारीफ करो आप। हाँ वो नीकी कर रही है तारीफ, और है ना हमारे घर पे आना आप तो। हाँ जरूर आएंगे। खाने की बात कर रही है उन्होंने, आप समझ रहे हो ना, खाने की बात की है इसलिए घर पे आना आप। ठीक है, वेरी गुड। आपके पड़ोसी हैं, तारीफ करिए पड़ोसी। आप तो बहुत अच्छे हो, आप दोनों बहुत अच्छी लग रही हो। भाजी आपको तो कितनी शर्म आ रही है, देखो तो सही। आप तारीफ करिए, आप बहुत अच्छे हो। मेरे बच्चे बताया आंटी बहुत अच्छी है, आंटी के यहाँ कभी भी जाओ, कभी आंटी डांटती भी नहीं है, मना भी नहीं करती किसी चीज के लिए, हमेशा आंटी से मांगो कुछ भी जो हमेशा देने को तैयार रहती है, कभी नहीं मना। वेरी गुड, आप इनकी तारीफ करके दिखाइए। हम हाँ पड़ोसी है ना, अच्छे। हाँ बहुत अच्छी हो, आपका स्वभाव बहुत बढ़िया लगता है, आप किसी की बुराई नहीं करती, तो ये हमको बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छी हो। वेरी गुड, आपकी तारीफ की उन्होंने, अच्छे पड़ोसी, आप भी कर दीजिए। अरे भाभी जी आपके हाथ के पापड़ अचार की तो ये इतनी तारीफ करते हैं कि दिन रात खाना चाहते हैं। पापड़ और अचार, अचार बहुत अच्छे डालती हैं ये। अच्छा। कैरी का अचार तो मेरे बेटे को बहुत पसंद है, थोड़ा दे दो। क्या है? कैरी का अचार, पापड़। खाने पीने की बात आई बा, हम कूद जाते हैं। क्यों चाची है ना अपने? अरे नहीं हमारी चाची ऐसी नहीं है, और किसी को नहीं देती। हमारी चाची पर बहुत अच्छी है। क्यों चाची? नहीं हमारी बेकार पड़ोसी है, जरा इनकी बुराई करके दिखाओ, आप परेशान हो गए हो इनसे। क्या आप लोग लड़ते ही रहते हो? जब देखो जब आपके घर में लड़ाई सुनाई देती है, कम से कम शांति का माहौल तो बहुत ही अच्छा है। हमारे का माहौल बनाते रहते हैं। नहीं हमारा बहुत अच्छा है, आप बहुत बेकार हो। नहीं नहीं आप बहुत अच्छे हैं। नहीं नहीं बहुत अच्छे हैं। नहीं 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 आपकी सास भी लड़ती है आपसे, नहीं ऐसा कुछ नहीं। अब आप बेकार पड़ोसी मिल गए, आपको कैसे पड़ोसी इनको बताओ? आप कितना खाते हो? खा खा के मोटे हो गए, जरा कम खाया करो। अभी परेशान है, खिला खिला के नहीं है, कम से कम बिट में तो खाने में ज्यादा अच्छी नहीं है। ठीक है अपनी है ना कम तारीफ करा कर, आप भी बहुत बेकार हो, बच्चे बोल रहे बेकार पड़ोसी मिल गए हैं आपको। आप इनसे परेशान हो चुके हो? नहीं आप क्यों हो परेशान? हो गए आप, बहुत गंदी, आप बिल्कुल भी अच्छी नहीं, आप तो बहुत ही बेकार हो, आपसे तो कोई बना के रखना ही नहीं चाहता। सब लोग कहते हैं ये जब से आई है सब लोगों में आपस में लड़ाई होती रहती है। राम कैसी आपकी बोल दी उन्होंने, देखो चलिए बेकार पड़ोसी मिल गए हैं आपको। आप कितनी बेकार हो, आपको बस बुराई करना आती है सबकी, और कुछ काम ही नहीं है। आपको बुराई करना आती है, जवाब दो आप, ये भी तो बेकार। अरे आंटी जी आप तो रोज तंग करती हैं, आप हमेशा चुगली करती रहती हैं। आपका बेटा मेरे बेटे को बहुत तंग करता है। आपका बेटा मेरे बेटे को तंग नहीं करता क्या? आपका बेटा पहले अपने बेटे की बुराई करता है, हमारे बेटे की बुराई करती है उसमें। आपके विशाल विंडो कूलर है ना, उनकी अलमारी ऐसे इनको पसंद कराई है कि ये खरीद लें आज। हाँ ना हमारे यहाँ शॉप खुली है विशाल विंडो की। अच्छा। तो वहाँ पर काफी अच्छी रेंज भी है, अच्छा सामान आया है, आप आना वहाँ खरीदना, आपको सही रेंज में लगा देंगे। अब आप सेल्समैन बनिए, आपका ताजमहल पोहा है समझ ली, आपका है, इनको बेच के दिखाइए ये खरीद ले। पोहा हमारा बहुत अच्छा है, ताजमहल पोहा है, आप आना हमारी शॉप पे लेके जाना, बहुत ही सबसे बढ़िया ग्वालियर में बहुत ही अच्छा है वो। तैयार है आप? ठीक है ओके, टेस्ट करके चलिए। आप इनको आटा बेच के दिखाइए, आटा गालब चक्की ब्रश आटा है ना हमारा, वो इनको बेच के दिखाइए, खरीद ले गालब चक्की ब्रश आटा। दीदी आप हमारे यहाँ का चक्की का आटा खा के देखिए, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा खाने में, उसकी रोटियाँ है ना जो कि बहुत ही सॉफ्ट बनती हैं, आप इसको जरूर लेके दीजिए, देखिए एक बार तो लेके देखे थे जरूर। आप इनको चाय बेच के दिखाओ, पद्मश्री की चाय बेच के दिखाओ, एक बार लोगी तो हजार बार आओगी। आप है ना पद्मश्री की है ना चाय पी के देखो, चाय बहुत अच्छी है, बहुत टेस्टी बनती है, आप एक बार है ना खरीद के देखो प्लीज। खांसी जुकाम तो नहीं हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। चलिए हाँ वेरी गुड। आप एक काम करिए, यहाँ शंकर सेल्स में आपके यहाँ सारी चीज इलेक्ट्रॉनिक की रखी हुई है, आप उनको सेल्समैन बनके समझाइए कि आपके यहाँ से टीवी फ्रिज या वॉशिंग मशीन समझाइए। ए भौजी की तो सिट्टी बिट्टी गुल आ गई, भौजी की सिट्टी बिट्टी गुल आ गई, एकदम सेल्समैन बनती, समझाइए। अरे
अपने सेल्समैन भी तो आते हैं, कितनी बातें करते हैं वो। दुकान वालों की तरह समझा दो। आप एक काम करिए जी, एमआईएस स्कूल है ना, मेट्रोपोलिस इंटरनेशनल स्कूल, ये इनके बच्चे का एडमिशन आपके स्कूल में ही हो, आप इनको मैनेज करिए। आप हमारे स्कूल में अपने बच्चे का एडमिशन करा के तो देखिए, सारी फैसिलिटी वगैरह हैं, प्ले ग्रुप से लेके 12th तक है ये स्कूल, 10th तक है सॉरी, और उसके बाद आपके बच्चे को बैन का आने जाने का सभी का चार्ज उसमें है, और पढ़ाई इतने नंबर बने कि आपको ऐसा लगा कि मैंने अपने बच्चे को इस स्कूल में डालकर अच्छा ही करा, उसका भविष्य अच्छा ही बनेगा। चलिए, आपका साड़ी का शोरूम है बिंदल फैशन कलेक्शन, मुरार गर्म सड़क पर नया खुला है, अब आप इनको मैनेज करिए कि आपके यहाँ से ही शॉपिंग करें, फैमिली वेयर शोरूम है पूरा, मैनेज करिए। बहन जी आप एक बार साड़ी लेके देखिए जी, और इसका डिजाइन बहुत अच्छा है, आपको पसंद आएगा, एक बार ले जाओगी आप बार बार आओगी, तो आप प्लीज लेके देखिए। इंडक्शन बेच के दिखाओ आप इनको, गोल्डन लाइफ का पसंद आ जाना चाहिए, आज खरीद के ले जाए, बेच के दिखाइए। अरे दीदी ये इंडक्शन इतना अच्छा है, इस पे आप चाय बनाओगी, आप टीवी भी देख लो, नाटक देख लो, आपका सास बहू वाला नाटक नहीं निकलेगा। अच्छा, अक्षरा भी उसी पे सारा काम करती है, तो जरूर देखेंगे। ठीक है, इंडक्शन है, एक बार लोगी बार बार लोगी। ठीक है, एक बार खरीदो पांच बार। हाँ चलते हैं, सब कुछ हो गया गांव की विदा की ओर, कैसे बेचारी मोड़ियां जाती है। हाँ और क्या, घर में रहती है, माँ बाप की लाडली होती है, विदा होके जाती है, माहौल अलग हो जाता है, और गाँव में तो भूचाल आता है, कैसे आता है। हाँ इनके संग में आपकी है, मम्मी वो नहीं जाने, बेटा बुला ले, जल्दी बुला ले। हाँ जी भाभी जी, गांव में कैसे आती बेचारी छोड़ जाने, मुझे नहीं जाना। वेरी गुड भाभी जी, आपको भी जाना है, आपको भी जाना है। हंस हंस के जा रही है ये तो भाभी, इनको रोना ही नहीं आ रहा, हंस हंस के मेरा हो रही है इनकी। हाँ कैसे जाती है गांव की लड़कियाँ, बिल्कुल सही कर रहे हो आप, बिल्कुल सही कर रहे हो। चलिए आपको भी जाना है बेटा, ओके भैया आप तो सबको भी जा रहे हैं। कैसे जाती बेचारी, मैं चली अपना ध्यान, आओगी आप बेटी जाती ना बेटा, मम्मी मैं नहीं जा रही, आपको भी जाना है। ओ जी बेटा, मुझे को नहीं जाना, मम्मी को ख्याल रखना, पापा को लड्डू खिलाना, ठीक है दवाई देना उनको टाइम पे। बहुत शानदार, देखिए ये तो ये केवल एक एक्ट है, बेटियां वास्तव में माता पिता की जान होती हैं, बेटियां है ना, सरकार कितना देखिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मैं तो सिर्फ इतना बोलूंगा कि हम सिर्फ रिस्पेक्ट करना चालू कर दें तो जीत हो जाएगी बेटियों की, आज बेटियां किसी से कम नहीं है। चलिए शुरुआत कर देते हैं, यहाँ तो आज अबे तुम लोग जोकर वोकर हो, कौन है क्या ये, आज नहीं आ सकता वो, क्यों नहीं आ सकता, पकड़ के दबोच के बांध के आया हूँ 2 किलोमीटर दूर जंगल में, आज नहीं आ सकता वो, 100% नहीं आ पाएगा, आज नहीं आ पाएगा, हाँ तो चैलेंज में ही पेश करूंगा भाई साहब, ये देख लेना आप, गारंटी है, गारंटी कर रहे हैं, हाँ कर दो जल्दी से, अगर ये बात है तो फिर उसमें क्या दिक्कत है, टाइम अपन खराब क्यों करें, हाँ कर दे, आ जाएगा वो, चाची दिमाग खराब हो जाता है, भाई चाची नहीं आ पाएगी ना, आज कुछ नहीं, 100% 100% चलो, इस बार पुराना प्रोग्राम, आ मेरे चले आप सबकी जान, क्या है ये, वो सुनिए मुझे, मैं छोटा हुआ आगे, माना ये माना नहीं, दिमाग फिर हो गया खराब, हरे यहाँ से, इस बार सारा पुराना प्रोग्राम, वो सुनिए आ खुनी खुनी चाची, अबे ये सुनो करते क्या तुम लोग आके, चाची प्रोग्राम, मिले चले,
हिंदी देखो ऐसा है, सबसे बड़ा पैसा है क्यों चाची? चाइनीज कन्वर्ट क्रमबार ने छूछ छूछ भाई जी वो अच्छा जी बात हो गया आ मेरे चले नाम सबकी जान टेलर रॉक के सामने तक वो क्या 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 चला जा यहाँ से चला जा अभी बोल रहा हूँ चला जा आपके सामने पेश करते हैं दलक्ता भलक्ता तुमसे टैलेंट पेश नहीं करवा रहा चुमरी बहरा के किस 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 कोई भी आके पेश कर देता है पूरी गलती इसकी है एक का लेके जा रहा उसको फेंकूंगा अब ये सूटकेस कहाँ जाता है जल्दी से गोल्डन लाइफ इंडक्शन को स्मार्ट ग्रहणियों की स्मार्ट पसंद ये 70% बिजली की बचत करता है ये इसको कहीं मतलब कहीं फंक्शन में जाना है तो टाइमर सेट करके कुछ भी बना सकते हो अपना मेकअप भी कर सकते हो इसमें मेकअप भी खराब नहीं हो सकता है यह शहर से ज़्यादा ग्रामीण लोगों की पहचान बनता जा रहा है और सबसे खासियत ये है कि ये अपने घर में तो यूजफुल है ही अगर हमारे बच्चे कहीं विदेश में बाहर भी पढ़ रहे हैं वहाँ सिलेंडर अवेलेबल नहीं कर पाते हैं तो वो बाहर इनको बाहर दे सकते हैं तो वो आराम से यूज कर सकते हैं बहुत शानदार शादी में किसी को गिफ्ट करना चाहे तो दे सकते हैं इसको डाइनिंग टेबल पे धर के भी खाना बना सकते हैं और जी इसमें 2 पल्सर बाइक के 5 बर्तन है इसमें और पल्सर बाइक कितनी है 2 जल्दी से गोल्डन लाइट जिससे बिजली की काफी बचत होती है और इसे अपन गिफ्ट भी कर सकते हैं और जे बिना गोल्डन लाइन इंडक्शन कुकर की बहुत अच्छी खासियत है और है ना उसमें बिजली की खपत कम होती है और उसकी जो उसकी प्लेट है वो बहुत अच्छी चलती है क्योंकि मैंने खरीदा है वेरी गुड गोल्डन लाइन पीस की एक बार खरीदो 5 बार जीतो बताना तो पड़ेगा ना एक बार खरीदो 5 बार जीतो ना खरीदो तो भी जीतो और इसमें सिंगापुर का ट्रिप है जिसमें कि 6 दिन और 7 रातों का है और वो वीकली ड्रॉ है इसमें जिसमें 3 दिन और 4 रात का है और एक वो ये ट्रिप में ये है ड्रॉ है ये क्या बोलते हैं ट्रॉली बैग है उसमें और पल्सर बाइक है जिसमें 220 मेगी की सीसी की और एक वो है कपल्स का है कपल्स ड्रॉ है जिसमें 10,000 रुपये और प्रेशर कुकर एक बार खरीदो 5 बार जीतो और अच्छा है जब तो और इसको कहीं घूमने जाते हैं तो ले जा सकते वेरी गुड आपने बिल्कुल सही बताया ये अगर कोई पहले बता देता तो ये सूटकेस उसका हो जाता कहीं भी आप घूमने जाते हैं तो आराम से उसको ले जा सकते हैं एक आपके लिए गोल्डन लाइफ से कैसा लग रहा है ये अच्छा लग रहा है आप वही तो मैं पूछ रहा हूँ गोल्डन लाइफ की स्कीम एक बार खरीदिए 5 बार जीतिए ये ऐसी स्कीम है जिसे लेते अपन न खरीदे तब भी इनाम जीतते हैं ये प्रोडक्ट ऐसा है जैसे कि अपन अपना कोई काम कर रहे हैं उसके साथ ही अपन इसका यूज कर सकते हैं जैसे अपन टीवी देख रहे हैं जरूरी नहीं अपन किचन में इसका यूज करें अपन रूम में बैठ कर भी इसका यूज कर सकते हैं बच्चों को पढ़ाते समय इसका यूज कर सकते हैं इसे इलेक्ट्रिक कम खर्च होती है
और कम टाइम में ज्यादा अच्छी चीज बना के देता है अपन को। वेरी गुड, आपने बहुत अच्छा बताया है। एक चीज और, इसमें एक सुपर एक नया मॉडल आया है जो टच मॉडल है, उसमें एक सुपर माइक्रो प्लेट है जो वर्किंग के समय में चटकती भी नहीं है और इसमें टाइमर सेट करके दूध भी गर्म कर देते तो वो दूध है ना अप डाउन करता रहता पर बाहर नहीं निकलता है। चलिए वेरी गुड, एक चीज और जल्दी से, कॉम्पिटिशन हो गया आपका और उधर भाभी जी में। इसके साथ कई सारे लकी ड्रॉ भी दिए हैं जो डेली निकलते हैं, कपल ड्रॉ भी है, इसमें 3 दिन 4 रातों का भी है, इसके साथ बाइक भी के भी एक है और इसके इंडक्शन के साथ बर्तन भी ऐसे मिलते हैं फ्लैट वाले जिससे अपन आसानी से कुक कर सकते हैं खाने को। बर्तन भी वैसे काम करता है, काम करता है लेकिन उसके अपेक्षा जो फ्लैट बर्तन होते हैं वो ज्यादा अच्छे से काम करता है। वेरी गुड, और एक चीज कोई, इसमें हम अब चपाती भी बना सकते हैं। आपके लिए गोल्डन लाइफ इंडक्शन कुकर रख लीजिए, एक आपके लिए, आपके लिए गोल्डन लाइफ। थैंक यू। ये किसे लगाया स्लीप बेल मेले में? स्लीप बेल वालों ने लगाया, वो तो वही लगाएंगे लेकिन किसके साथ में लगाया है बताना तो पड़ेगा। मैं तो टीवी पे भी दिखाता हूँ, आप प्रोग्राम अगर देख रहे हैं तो बताइए। सर के नीचे सर के नीचे तो उसको लगाते हैं, अभी तो तकिया बोलते हैं। हाँ। अब लगाया किसने है ये? बेड के ऊपर लगाते हैं। विशाल विंडो, विशाल विंडो कूलर ने लगाया, विशाल विंडो कूलर है ना, छतरी नंबर 1 पर। हाँ, स्लिप बेल मैट्रेस का उनका शोरूम है, कमर दर्द वाले गद्दे हैं, सबसे बड़ी बात 7,000 रुपए से 1,00,000 रुपए तक के गद्दे आपके लिए रख लीजिए, स्लिप बेल मैट्रेस। थैंक यू। आटा है ये? गालब चपकी। क्या खासियत है? प्रोटीन फाइबर सब, मेमोली बच्चों की फुल होती है, बहुत ही अच्छा दरिया है, मैदा है इसके सब कुछ। अरे वेरी गुड, एक आपके लिए रख लीजिए, गालब चक्की ब्रेश आटा से एक आपके लिए उपहार है। आप आगरा रहते हैं? हाँ। और यहाँ आपका मायका है? हाँ। चलिए एक आपके लिए MIS मेट्रोपोलिस इंटरनेशनल स्कूल शुपरी लिंक रोड, CBSE और 10th तक हो गया आपके लिए, आपके लिए है अग्रवाल फोटो फ्रेम छती नंबर 3 और कश्मीरी गेट के बीच गोल्डन लाइफ इंडक्शन कुकर के सामने बाला भाई के बाजार में। एक आपके लिए उनकी तरफ से आपके लिए और उपहार। पद्मश्री चाय कहाँ पर? नया बाजार। वेरी गुड, RRD कंपनी नया बाजार, ठीक है ना, एक आपके लिए रख लीजिए। पद्मश्री चाय, ताजमहल पोहा आपने इस्तेमाल किया है? किया है, कैसा है? अच्छा है, सच्ची में अच्छा है। एक आपके लिए ताजमहल पोहा से रख लीजिए, ये आपके लिए उपहार है। एक आपके लिए ये बिंदल फैशन फैमिली कलेक्शन मुरार में भी नया खुला है गरम सड़क पर, आप टीवी पे सुन भी रहे होंगे। आप लोग कहाँ रहते हैं? नाका चंद्रपत्नी। बिल्कुल डिफरेंट है लेकिन महारानी लक्ष्मीबाई कॉलेज के सामने खुला हुआ बहुत अच्छा शोरूम है। भाई मुरार के जितने लोग हैं मैं उनसे कहूंगा एक बार आप देखकर जरूर आइए, एक आपके लिए उनकी तरफ से उपहार। अंजलि कहाँ रहते हो आप? चार शहर का नाका। तो टीवी पे भी आप देखते हो, आज आप खुद शामिल हो गए, एक आपके लिए रख लो। ये भागीरथ प्लाजा छती नंबर 8 से आपके लिए उपहार है। और एक और है ये ताजमहल पोहा रख लो, एक आपके लिए और है। ये ताजमहल पोहा से एक आपके लिए कॉम्प्लीमेंट्री रखते जाइए, एक आपके लिए भी है ताजमहल पोहा से, एक आपके लिए ओस बुटीक कविता सोनी जी की तरफ से एक आपके लिए और है, ये काम की चीज। ओस बुटीक कविता सोनी जी पाटनकर चौराहा, फैंसी ड्रेस इनके यहाँ सारे स्कूल्स की सारे प्रांतों की किराए से मिलती है। एक एक और है आप सबके लिए, पद्मश्री चाय से एक एक आपके लिए और रखते जाइए, एक आपके लिए है, एक आपके लिए पद्मश्री चाय से, एक आपके लिए और एक आपके लिए, एक एक और है भागीरथ प्लाजा ये छतरी नंबर 8 से आप सबके लिए है मेरे पास, एक आपके लिए है भागीरथ प्लाजा छतरी नंबर 8 फर्नीचर का एक्सक्लूसिव शोरूम, एक आपके लिए है भागीरथ प्लाजा से, एक आपके लिए है, एक आपके लिए भी है, सॉरी एक आपके लिए और एक देगा, ये उसके पास पहुंचेगा भोगरा ही नमकीन जो पहले हाथ उठा देगा। मुरार में भी है और पिंटू पार्क पर भी, यहाँ पर 34 और पिंटू पार्क। वेरी गुड, एक आपके लिए भोगरा ही नमकीन से आपके लिए और कॉम्प्लीमेंट्री भोगरा ही नमकीन हजीरा इंटक के सामने बसंत टॉकेज और पिंटो पार्क से एक आपके लिए और है, अग्रवाल फोटो फ्रेम से एक आपके लिए और, बाला भाई का बाजार स्थानीय शोरूम एक आपके लिए मेले में छत्ती नंबर 3 कला मंदिर के बीच से, अग्रवाल फोटो फ्रेम से एक आपके लिए और, एक एक और है रीडास शूज से एक एक आपके लिए और है। आप स्पोर्ट्स शू पहनते हो? रीडास के आपने पहने कभी? नहीं पहने, अब आप यूज करके देखना, एक आपके लिए है रीडास शूज से, एक आपके लिए है आपके लिए भी है रीडास शूज से आपके लिए, सॉरी आपके लिए
एक आपके लिए एमआईएस से और है, एक आपके लिए भी एमआईएस से, एक आपके लिए मेट्रोपोलिस इंटरनेशनल स्कूल से, एक आपके लिए गालब चक्की प्रेस आटा से, आपके लिए मैदा, आपके लिए सूजी, एक आपके लिए ये मैदा है गालब चक्की प्रेस आटा से सूजी, एक आपके लिए भी है गालब चक्की प्रेस आटा से ये मैदा, आपके लिए बेसन गालब का, एक आपके लिए है सूजी, हलवा बनाना आता है आपको? बिल्कुल, नमकीन मीठा दोनों, और इससे तो इडली बहुत अच्छी बनती है, तो मेरे हाथ की सबको पसंद है। एक आपके लिए है गालब चक्की फ्रेश आटा से, विंडो कूलर विशाल अलमारी, ये सिम्फनी कूलर, ये स्लिप बेल मैट्रेस विशाल विंडो कूलर अलमारी सिम्फनी से है, विशाल विंडो कूलर से है और स्लिप बेल मैट्रेस से आपके। स्टूडियो नई सड़क, क्या खासियत? इनके यहाँ फोटो बड़ी अच्छी है निकलती है। आपने खिंचाया? नहीं अभी तक नहीं। एक आपके लिए फाइन आर्ट स्टूडियो नई सड़क से, कहाँ पर? नई सड़क, नई सड़क, एक आपके लिए भी है फाइन आर्ट से, एक आपके लिए है। आपने देखा है फाइन आर्ट स्टूडियो? नहीं देखा। आप गोल पड़िए रहते हो, पास में ही तो है। एक आपके लिए फाइन आर्ट स्टूडियो नई सड़क से, एक आपके लिए भी है, एक आपके लिए। वैसे कितने बच्चे हैं आपके? एक भी नहीं, अभी नहीं है, शादी हो गई आपकी? एक आपके लिए फाइन आर्ट स्टूडियो नई सड़क से, आपकी तो हो ही गई होगी, बच्चे भी हो गए, बच्चे भी है। कितने बच्चे हैं? दो बच्चे हैं। कितने साल होगा शादी को? 16 साल। एक आपके लिए फाइन आर्ट स्टूडियो नई सड़क से, एक बच्चा है 5 साल होने वाला। शादी की नहीं पूछ रहा हूँ मैं, ये पूछ रहा हूँ आप तो, आप ठीक है ना, गिफ्ट ठीक ठाक है, मैं शादी की थोड़ी पूछ रहा था आपसे, आप तो शादी के मैंने तो पूछा ही नहीं। एक आपके लिए फाइन आर्ट स्टूडियो नई सड़क से, एक आपके लिए भी है फाइन आर्ट स्टूडियो नई सड़क से, एक एक और दे देता हूँ कुछ हल्का सा मीठा। हाँ, ये ताजमहल पोहा से, एक एक आपके लिए, हाथ दर्द तो नहीं कर रहा, एक आपके लिए है ताजमहल पोहा से, एक आपके लिए, आपके लिए भी है, एक आपके लिए ताजमहल पोहा से, एक आपके लिए चॉकलेट, एक आपके लिए है और एक आपके लिए बिंदल फैशन फैमिली कलेक्शन से, एक एक आपके लिए कैरी बैग और है, एक आपके लिए भी है बिंदल फैशन फैमिली कलेक्शन से, एक रखते जाइए, आपके लिए है, आपके लिए भी है बिंदल फैशन फैमिली कलेक्शन से, आपके लिए भी है, एक आपके लिए भी है बिंदल फैशन फैमिली कलेक्शन से, एक आपके लिए भी है, एक आपके लिए बिंदल फैशन फैमिली कलेक्शन से, साथ में गोल्डन लाइफ इंडक्शन कुकर से, एक एक आपके लिए और है, आपके लिए भी है गोल्डन लाइफ इंडक्शन कुकर से, आपने रखे मैंने काटे, एक आपके लिए है गोल्डन लाइफ इंडक्शन कुकर से, एक आपके लिए भी है, एक आपके लिए भी है गोल्डन लाइफ इंडक्शन कुकर से, आपके लिए गोल्डन लाइफ से है, एक आपके लिए भी है, एक आपके लिए है गोल्डन लाइफ से और एक आपके लिए भी है। देखो एक आपके लिए है ये ताजमहल पोहा से, नाम था रखो ताजमहल पोहा से, एक आपके लिए भी उपहार है, क्या नाम है? संगीता। एक आपके लिए रख लो ताजमहल पोहा से, एक आपके लिए उपहार है, भाई साहब नाम क्या है? किशन यादव। रख लो ताजमहल पोहा से, एक आपके लिए भी उपहार है, इधर क्या नाम है भाभी जी? नंदनी से बोल रहे हैं, लालक बाजार, लालक बाजार, आपका नाम? जी आपके लिए रख लीजिए, ये बिंदल फैशन फैमिली, कहाँ रहते थे आप? बामोर। बामोर, बामोर में हमारा मेले का चल रहा है प्रोग्राम, चल रहा है। कितने नंबर पे? 111 पे। कितने? 111 पे। 111 पे, बिल्कुल ठीक बोला आपने। इधर क्या नाम है आपका? रखो रखो रखो, बिंदल फैमिली कलेक्शन से आपके लिए, भाभी जी नाम? चित्रा। कहाँ रहते हैं? मुरार। ये मेले का देख रहे हैं, ये कहाँ खुला है बिंदल फैमिली? मुरार में ही खुला है, गरम सड़क पे, एक आपके लिए है, क्या नाम है साहब? दीपचंद केसरी। बिंदल फैमिली कलेक्शन से, क्या नाम है आपका? चाइना वर्मा। एक आपके लिए भी रख लो बिंदल फैशन फैमिली कलेक्शन से, इधर से एक बार फिर चलता हूँ, चलो क्या नाम है आपका? प्रियंका। रख लो एक आपके लिए भी है बिंदल फैशन फैमिली कलेक्शन से। दोस्तों यहाँ से चलते हैं सीधे झूला सेक्टर और देखते हैं आज बुधवार के दिन क्या नजारा है, यहाँ से सीधे झूला सेक्टर। छेला बाबू तू कैसा दिलदार निकला, छेला बाबू तू कैसा दिलदार निकला, चोर समझी थी मैं थानेदार निकला, चोर समझी थी मैं। भी लेता नहीं
आज का कार्यक्रम MIS आओ मेला चले। अब कल गुरुवार यानी आज गुरुवार हो गया, अगर आप दिन में देख रहे हैं दिन, यहाँ आज का है सुपर बॉय, शुक्रवार का है सुपर वुमेन और सुपर गर्ल, और शनिवार का स्पेशल है एक बार फिर से सुपर वुमेन, और रविवार का फिर एक बार सुपर कपल। और अगर आपके पास कोई टैलेंट है, अगर आप किसी को हंसा सकते हैं, हास्य कविता है, तो वो शर्म को गठान मत बांधिए, उस शर्म की गठान खोलिए, मेरे पास तक आइए, क्योंकि आपकी जो प्रतिभा है चारों तरफ लोगों को पहचानना चाहिए ना कि हाँ आपके अंदर भी ये प्रतिभा है। ये किसी भी प्रकार से अगर आप लोगों को एंटरटेन कर सकते हैं, यहाँ मेरे पास आ जाइए, छतरी नंबर 2 पर बच्चों का 1 बजे तक इंटरव्यू है, उसके बाद 2 से 3 बजे तक ओवरऑल एज को मैं कवर करता हूँ। छतरी नंबर 2 और 1 के बीच में आप मुझे संपर्क कर सकते हो। शाम को अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं किसी कॉन्सेप्ट में, तो 4:15 से 4:30 तक आप समय का ध्यान रखें, आप आके मुझसे मिल लीजिए। तो आज के इसके साथ, अगर यूट्यूब पर प्रोग्राम देख रहे हैं तो यूट्यूब पे आओ मेला चले, आपको पर डे का तारीख मिल जाएगा। आज का एपिसोड भी अगर इंटरनेट ठीक रहता है तो 11:30 बजे तक अपलोड हो जाएगा। पर डे का पर डे हम लोग ये यूट्यूब पे अपलोड कर देते हैं। हाँ, लेकिन सब्सक्राइब जरूर करें। आप यूट्यूब पे प्रोग्राम देख रहे हैं तो बगल में जो लाल रहता है ना सब्सक्राइब, उसको आप एक बार प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको पता रहेगा कौन से नए अपडेट हमारे आ गए हैं, कौन से नए एपिसोड आ गए हैं। और बगल में अगर बेल दबा देते हैं तो हर सोने पे सुहागा हो जाएगा। तो आज के इस कार्यक्रम में मैं चैनल के नाम एक बार फिर सुन लीजिए, विन ग्वालियर हेड पर 866, डैन पर 155, सिटी केबल पर 96 नंबर, SR पर 1853 और 63 नंबर, और डिजियाना पर 2 नंबर, मुरैना में डिजियाना पर 200 नंबर, केलारस में 111 डिजियाना, बामौर में 111 डिजियाना, डबरा में 866, 866, भिंड में 866। तो यहाँ आप अपने चैनल से प्रोग्राम देख सकते हैं। तो आज के इस कार्यक्रम में मैं शिरीष गुप्ता गुड्डू, कैमरामैन ऋषभ साखला, चंदन बरैया, और इसके साथ में सपोर्टेड एंकर निखिल कटारिया, बाबू बेधड़क, हेमंत मारिया, करण भगेल, निखिल चातवा या अभिषेक चातवानी, हनी और शिवानी के साथ इस वादे के साथ इजाजत चाहता हूँ कि कल आपसे इसी चैनल पे इसी जगह पुनः मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए सभी नन्हे मुन्ने मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों को मेरा ढेर सारा प्यार, सभी बड़े बुजुर्गों को मेरा चरण स्पर्श, और सभी हम उम्र को हाय। अंत में आज इजाजत, तो फिर कल मुलाकात, तब तक के लिए बाय बाय।